जैसा कि अपन जानते ही हैं कि कोरिया हमेशा से ही डिफरेंट और यूनिक टाइप के कॉन्सेप्ट लेकर आता रहता है, तो आज एक ऐसे ही कतई जहर रिसेंटली रिलीज ड्रामा की अपन आज बात करने वाले हैं। कहानी बेसिकली लाइक करती है वैम्पायर्स एंड ह्यूमंस पे, साथ ही सुपरनेचुरल ट्विस्ट का तड़का ना इसमें आपको गाइस भर भर कर मिलने वाला है। कॉमेडी तो लाजवाब और एक नंबर होने वाली है, जिसका कॉन्सेप्ट लिटरली गाइस इतना ज्यादा अमेजिंग है ना कि मैं क्या ही बताऊँ आपको, क्योंकि वो तो आपको वीडियो में खैर पता चल ही जाएगा, लेकिन हम 100% श्योर कि आपको ना मेरी तरह बहुत ही ज्यादा ये सीरीज पसंद आने वाली है। सो कहानी की शुरुआत होती है अपने वैम्पायर ह्यूल और उसकी ह्यूमन गर्लफ्रेंड से, जो कि जंगलों में भागते हुए कुछ लोगों से बचते हुए जा रहे थे, और वो लोग ह्यूल को मारकर उसका खून लेना चाहते थे, क्योंकि उसका खून उनके लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, जो कि हमेशा के लिए इन सब लोगों को अमर बना सकता है। जैसा कि हम जानते हैं कि वैम्पायर्स चांदी से कमजोर हो जाते हैं, और इसीलिए वो ह्यूल के ऊपर चांदी से बने हथियारों का यूज कर रहे थे। सिल्वर एरो लगते ही ह्यूल तो काफी ज्यादा जख्मी हो चुका था, लेकिन जैसे ही वो तीर उसकी गर्लफ्रेंड नाही को लगने वाला होता है, ह्यूल उसे बचा लेता है और उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आने लग जाता है। उसकी आंखें एकदम व्हाइट हो जाती हैं और पूरी तरह से वो वैम्पायर रूप में आ जाता है। गुस्से में आकर उसने चारों तरफ तबाही मचा दी थी और उन सब लोगों को बड़ी बेरहमी से मार रहा होता है। नाही के हग करते ही ह्यूल की हार्ट बीट फास्ट हो जाती है और वो अपने नॉर्मल फॉर्म में आकर शांत हो जाता है, लेकिन तभी अचानक से ही ह्यूल के ऊपर आने वाला वो तीर नाही अपने ऊपर ले लेती है और बेचारी बेमौत मारी जाती है। ब्लड को देखकर ह्यूल से भी अपने आप पे कंट्रोल नहीं हो पाया, क्योंकि जो भी हो आखिरकार वो वैम्पायर है और उसने उसका खून भी पी लिया। सीन शिफ्ट होता है कुछ टाइम बाद, दिखाया जाता है ह्यूल कॉफिन में लेटा हुआ होता है और सामने ही उसके वैम्पायर दोस्त डोंगर सेंग ह्यूल के मरने के बाद उसकी जायदाद का बंटवारा करने के लिए आपस में लड़ रहे होते हैं, जहां अचानक से उठते हुए ह्यूल अपनी मेंशन की को बटलर चुल जो कि एक ह्यूमन है उनको सौंपते हुए बोला कि मैं चाहता हूं कि मेरे बाद आप मेरे इस मेंशन का अच्छे से ध्यान रखें, क्योंकि अगर ये इन दोनों नमूनों के हाथ लग गई ये तो फिर उसे भी बेच खाएंगे। डोंगर सॉन्ग भी काफी हंसने लग जाते हैं, बोलते हैं नहीं नहीं बॉस हम तो सिर्फ मजाक कर रहे थे, जहाँ फिर फाइनली ये रिवील होता है कि आखिरकार ये सब कुछ चल क्या रहा है। दरअसल ह्यूल 100 साल तक इस कॉफिन में सोना चाहता है ताकि वो पूरी तरह से ह्यूमन फॉर्म में कन्वर्ट हो सके। यहाँ से फिर ह्यूल की दुख भरी दास्ता शुरू हो जाती है, बोलता है कि वैम्पायर्स को ब्लड पीना होता है सर्वाइव करने के लिए, लेकिन हम तो ह्यूमन ब्लड की जगह एनिमल ब्लड पीते हैं, और वो भी खरीद कर जिससे कि किसी भी जानवर को हम नुकसान ना पहुँचाए। धूप के टाइम भी हम बिल्कुल भी बाहर नहीं निकल सकते हैं, क्योंकि इससे हमारी स्किन जल जाती है और बहुत ज्यादा ब्लड लॉस हो जाता है। सुपर पावर से खुद उड़ने के साथ साथ हम चीजों को भी यहाँ वहाँ उड़ा सकते हैं, जिससे कि बस थोड़ा बहुत सफाई करने में आसानी होती है, लेकिन सबसे ज्यादा दुख की बात तो ये है कि हम अपनी रिफ्लेक्शन को मिरर में देख ही नहीं सकते हैं, और मैं तो ये भी नहीं जानता कि मैं कितना ज्यादा हैंडसम हूँ, क्योंकि सारी लड़कियाँ मेरे पीछे पागल हैं। सबने मुझे देखा है, लेकिन आज तक मैंने खुद को ही नहीं देखा। ह्यूमन एंड वैम्पायर्स मिलकर साथ में मजे से रहते हैं, पार्टी शार्टी और मौज मस्ती भी करते रहते हैं, क्योंकि इस टाइम पर कोई भी वैम्पायर हंटर नहीं है। ह्यूल एक वैम्पायर को इंसान का खून पीते हुए देखकर उस पे बहुत ज्यादा गुस्सा हो रहा होता है, लेकिन वो वैम्पायर बोलता है कि मैंने तो इसे छुआ भी नहीं है, बल्कि ये तो पहले से ही जख्मी था, मैं तो बस इसका खून टेस्ट कर रहा था, जिसका साफ मतलब है कि मैंने तो कोई वैम्पायर रूल तोड़ा ही नहीं है और मुझे इसकी कोई भी सजा नहीं मिल सकती। वही कुछ वैम्पायर ह्यूल की बैक पिचिंग करते हुए बोल रहे होते हैं कि ये तो बस नाम का ही वैम्पायर है, जो कि ह्यूमन ब्लड की जगह सिर्फ और सिर्फ एनिमल ब्लड ही पीता है। कपल को देखकर ह्यूल को नाही की वो बात याद आने लग गई, जब उसने ये बोला था कि जब भी किसी ह्यूमन को प्यार होता है तो उसकी हार्ट बीट फास्ट हो जाती है, लेकिन ह्यूल तो वैम्पायर ठहरा और आज तक उसने ये फीलिंग कभी महसूस की ही नहीं थी, और उसके बाद से वो हर हाल में ह्यूमन बनना चाहता था ताकि वो उस फीलिंग को महसूस कर सके, जिसके बाद से उसने अपनी सारी एड़ी चोटी का जोर लगा दिया जिससे कि वो एक इंसान बन सके। धूप में अपने सारे कपड़े हटाकर बैठ गया और बोला कि हे भगवान मुझे बस इंसान बना दो, और इससे पहले कि बेचारा अपना वैम्पायर जलकर राख हो जाता, चंगू मंगू ने आकर उसे बचा लिया, डोंग एंड सॉन्ग ने आके बचा लिया, जिसके बाद उसने बहुत सारे लहसुन खा लिए ये सोचकर कि शायद तो वो ह्यूमन बन ही जाएगा, जिससे कि उसे एलर्जी हो गई, और इससे पहले कि वो मर जाता चंगू मंगू आकर उसे फिर से बचा लेते हैं।
थका कर बेचारा रोज भगवान के टेम्पल जाने लगा और उनसे ये प्रार्थना करने लगा कि बस वो एक अच्छा इंसान बनना चाहता है। ये सब कुछ सोच सोच कर वो बहुत ज्यादा सैड हो रहा होता है और अचानक से उसे एक बिल्ली दिखाई देती है जो कि कोई और नहीं बल्कि एक कैट मैन है। ह्योल ने उससे बिल्ली से इंसान बनने का राज पूछा ताकि वो भी वैम्पायर से सीधा इंसान बन सके और साथ ही उसे अपनी सैड लव स्टोरी भी सुनाई। और यहाँ पर गाइस हमें ये पता चलता है कि उस दिन आखिरकार हुआ क्या था। अपने आखिरी वक्त में नाही ने ह्योल से ये प्रॉमिस किया था कि वो दोबारा जन्म लेकर इस धरती पर जरूर आएगी, लेकिन उसके लिए ह्योल को उसका ब्लड पीना होगा जिससे कि वो फ्यूचर में उसे पहचान सके। कैटमैन ने फिर उसे ये राज बताते हुए बोला कि अगर उसे सच में एक इंसान बनना है तो उसके लिए उसे 100 सालों तक कॉफिन के अंदर सोना पड़ेगा, जो कि बहुत ज्यादा रिस्की तो है लेकिन ह्योल उसके लिए मान जाता है क्योंकि वो हर हाल में ह्यूमन बनकर ही नाही को मिलना चाहता था। सच जानने के बाद बटलर जुल के साथ साथ सॉन्ग और डोंग भी बहुत ज्यादा शौक हो जाते हैं। साथ ही वो बोलते हैं कि 100 साल बाद जब आप सोकर उठेंगे तो आपको आपका मेंशन बिल्कुल वैसा ही मिलेगा जैसा कि ये अभी है। मैं तो तब तक जिंदा नहीं रहूंगा क्योंकि मैं एक इंसान हूँ, लेकिन मेरी आने वाली सारी पीढ़ियां इसका बहुत ही अच्छे से ध्यान रखेंगी। जिसके बाद ह्योल एक मिरर लेकर कॉफिन में सोने के लिए चला जाता है ताकि 100 साल बाद जब वो ह्यूमन बनकर उठे तो पहली बार वो अपने आप को शीशे में देख सके। सीन शिफ्ट होता है, 100 साल बाद दिखाया जाता है जोई नाम की एक लड़की को जो कि सोकर उठती है और ये लड़की बहुत ही ज्यादा गरीब है जो कि टूथपेस्ट और क्रीम को भी पिचका कर निकाल कर उनको यूज करती है। और उसका हाउस ओनर तो एक नंबर का जोकर है जो कि काफी अजीब अजीब हरकतें करता रहता है। जूही एक स्कूल में मेडिकल साइंस की टीचर है जहाँ एक लेडी उसे बालों से खींचते हुए मार रही होती है क्योंकि जूही ने उसकी बेटी के बाल जो काट दिए थे। लेकिन जैसे ही उसे ये मालूम होता है कि उसकी बेटी के बालों में कुछ बुलीज ने च्युइंगम चिपका दी थी और इसीलिए जूही ने उसकी बेटी के बाल काटे क्योंकि वो लेडी अपनी बेटी का ध्यान बिल्कुल भी देती ही नहीं थी। वो लेडी तो बहुत ज्यादा शर्मिंदा होती है और सबको सॉरी बोलती है। वही डोंग और सॉन्ग एक छोटा सा रेस्टोरेंट चला रहे होते हैं क्योंकि सॉन्ग ने अपने सारे पैसे जुए में जुए उड़ा दिए थे। शॉप ओनर आकर रोज रोज उनसे रेंट मांगता था लेकिन उनके पास तो पैसे थे ही नहीं और इसलिए डोंग सॉन्ग को बोलता है कि अब बॉस के उठने में सिर्फ 2 दिन ही बाकी हैं और फिर तो तुम्हारी खैर नहीं क्योंकि मैं उनसे तुम्हारी सारी शिकायतें जो लगाऊंगा। वही जूई अपने मिसिंग डैड को याद करते हुए बहुत ज्यादा सैड हो रही होती है क्योंकि वो बहुत सालों पहले गायब हो गए थे। वही डोशिन नाम के एक रियल स्टेट वाले बंदे को दिखाया जाता है जो कि बहुत ज्यादा फेमस है और उसका इंटरव्यू भी चल रहा होता है। जमीनें बेचना और खरीदना उसका काम है और वो काफी ज्यादा फेमस भी है और एक अच्छा इंसान भी। वही जैसे ही जूई सोकर उठती है ना, नेक्स्ट डे तो उसे ये मालूम पड़ता है कि उसका घर तो तोड़ा जा रहा है क्योंकि उसका हाउस ओनर एक बहुत ही बड़ा धोखेबाज है जो कि गेटअप बदल बदल कर लोगों को लूटता था और सबका पैसा लूट कर वहाँ से भाग चुका है, जिसमें जूही ने भी उसे 2 साल का एडवांस ऑलरेडी दिया हुआ था और इसलिए वो बहुत ज्यादा परेशान होती है क्योंकि उसके पास रहने के लिए अब कोई और जगह ही नहीं थी। वही एक लॉयर से मिलने के बाद जूही को ये मालूम चलता है कि उसके फादर 5 साल से गायब हैं और इसलिए अब सरकार ने उन्हें मृत घोषित कर दिया है, जिनकी वसीयत में जूही को कुछ सामान और एक बड़ा सा मेंशन भी मिल चुका है। सच जाने के बाद तो वो बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है और जैसे ही वो उस हवेली में पहुँचती है ना, वो कोई और नहीं बल्कि ह्योल का ही मेंशन होता है जो कि बहुत ही ज्यादा बड़ा और खूबसूरत था। जैसे ही वो बेसमेंट में जाती है, सब कुछ देख रही होती है तो उसे एक कॉफिन रखा हुआ मिलता है। जैसे ही वो उसे खोलती है, अचानक से ही ह्योल की आंखें भी खुल जाती हैं, जिसे देखकर तो वो काफी ज्यादा डर जाती है क्योंकि वो रेंगती हुई एक मॉन्स्टर की तरह बाहर जो निकल रहा था, जिसे कि फिर देखते देखते सारी लाइट्स भी ऑन हो जाती हैं। ह्योल के ये बोलने पर कि तुम जरूर बटलर चोल की पोती होगी ना, जो कि मेरी गैर हाजिरी में इस मेंशन का अच्छे से ध्यान रख रही थी, लेकिन अब मैं अपने मेंशन का ध्यान रखने के लिए वापस आ चुका हूँ, वो भी 100 साल बाद। ये सुनते ही जूही तो बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है कि आखिर ये सब कुछ चल गया रहा है और उसके हाथ की चोट देख कर ह्योल को उसका खून पीने का मन होने लग जाता है और वो सोचता है कि वो तो वैम्पायर से इंसान बन चुका है और उसके बाद भी खून को देखते ही उसे उसको पीने का मन क्यों हो रहा है। और जैसे ही वो अपने आप को उस शीशे के अंदर देखता है ना, वो तो शॉक हो जाता है क्योंकि उसमें तो उसका रिफ्लेक्शन दिखा ही नहीं दे रहा था।
जहाँ पर गाइस ये पता चलता है कि 100 साल पूरे होने में अभी एक दिन बचा हुआ था, यानी कि वो 100 साल पूरे होने से एक दिन पहले ही जाग चुका है और इसलिए अभी वो हाफ ह्यूमन और हाफ वैम्पायर बन गया है, जिससे कि उसे तो बहुत ज्यादा गुस्सा आने लग जाता है। और वही जूही भी पुलिस को कॉल लगा रही होती है और वो उसे खींच कर बस उसे बाइट करने ही जा रहा होता है, ये बोलते हुए कि तुम्हारे चक्कर में मेरे पूरे 100 साल बर्बाद हो गए हैं, जिससे कि मैं अब ह्यूमन भी नहीं बन पाया हूँ। लेकिन उससे पहले ही जूही अपने वैम्पायर को काट लेती है। अरे गजब, ये क्या हो गया? जूही अपने वैम्पायर को काट लेती है, जिसके बाद ह्यूमन वहीं पर बेहोश हो जाता है। और ये सब कुछ देखकर जूही तो बहुत ही ज्यादा डर चुकी थी, क्योंकि ह्यूल की तो हार्ट बीट भी नहीं चल रही थी, और इसलिए फटाक से उसे हॉस्पिटल लेकर भागती है। सारा चेकअप वगैरह होने के बाद डॉक्टर भी ये देखकर बहुत ज्यादा शॉक हो जाती हैं, क्योंकि ह्यूल की तो हार्ट बीट चल ही नहीं रही थी, जिससे कि उन्होंने तो उसे मृत घोषित ही कर दिया था। ये जानने के बाद तो जूही बेचारी फूट फूट कर रो रही होती है, ये सोचते हुए कि उसके चक्कर में आज एक इंसान मारा गया। लेकिन जैसे ही ह्यूल के साइड वाले बेड पे एक दूसरे पेशेंट को लाया जाता है, जिसका बहुत सारा खून बह रहा होता है, उसकी स्मेल से तो ह्यूल की आंखें ही खुल जाती हैं और उसका फिर से खून पीने का मन होने लगता है। डॉक्टर जोर से चिल्लाता है कि अरे ये तो अभी भी जिंदा है, जिसकी आवाज सुनते ही जूही भागते हुए अंदर जाती है। जूही को देखते ही ह्यूल को काफी गुस्सा आने लग जाता है, उसके पास जाकर बोलता है कि तुम तो जरा घर चलो, फिर मैं तुम्हें बहुत अच्छे से मजा चखाऊंगा। वही हॉस्पिटल का बिल भरते टाइम जूही का तो हवाया ही उड़ जाती है, बेचारे की ऑलमोस्ट सेविंग से फिनिश हो गई थी। लेकिन अपना वैम्पायर तो बेचारा ऐसी सोच में डूबा हुआ था कि जमाना कितना चेंज हो चुका है और ये अचानक से कैसे कैसे नोट चलने लग गए हैं। घर जाते टाइम दोनों में बहस स्टार्ट हो जाती है और जूही अपने वैम्पायर को वहीं छोड़कर टैक्सी लेकर उससे पीछा छुड़ाकर भाग जाती है। ह्यूल को तो अपनी हवेली का एड्रेस मालूम ही नहीं था और इसलिए वो बेचारा यहाँ वहाँ भटकने लग जाता है। मिरर के अंदर अपने धुंधले से रिफ्लेक्शन को देखकर सोच रहा होता है कि अगर मैं एक दिन और उस कॉफिन के अंदर रह जाता ना, तो आज मैं पूरी तरह से ह्यूमन बन चुका होता। लेकिन उस बेवकूफ लड़की के चक्कर में सब कुछ खराब हो चुका है और मैं अब उसे नहीं छोड़ने वाला हूँ। साथ ही इस बदली बदली दुनिया को देखकर ह्यूल काफी ज्यादा हैरान होता जा रहा था कि यहाँ पर सब कुछ कितना ज्यादा चेंज हो चुका है। वही चंगो मंगो सेलिब्रेट करने के लिए ह्यूल के कॉफिन के पास पहुंचे हुए थे, क्योंकि आज वो जागने जो वाला था। लेकिन ये देखकर तो वो काफी ज्यादा शॉक हो जाती है कि ह्यूल तो उसके अंदर था नहीं, और साथ ही शीशा भी टूटा हुआ था, जिससे कि वो भी समझ जाते हैं कि बॉस तो टाइम पूरा होने से पहले ही उठ चुके हैं, यानी कि वो अभी पूरी तरह से ह्यूमन है ही नहीं। ह्यूल की हालत तो बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी, क्योंकि उसने बहुत टाइम से खून पिया ही नहीं था और इसलिए उससे काफी ज्यादा वीकनेस भी फील हो रही थी। खून सामने होने के बावजूद भी उसे नहीं पीना चाहता था, क्योंकि उसे ह्यूमन जो बनना था। साथ ही रास्ते में आने जाने वाली हर बिल्ली को रोक कर वो उन सबको ये सोच कर परेशान कर रहा होता है कि शायद वो मिस्टर कैट हैं, जिन्होंने उसे ह्यूमन बनने के लिए 100 साल तक कॉफिन में सोने के लिए कहा था। जहाँ पर अचानक से दो लेडीज आकर ह्यूल को बिल्ली के ऊपर चिल्लाते हुए देखकर बोलती हैं कि बेचारे बेसुबान जानवर पे जुल्म कर रहे हो ना, रुको तुम हम अभी पुलिस को बुलाते हैं। लेकिन ह्यूल उन्हें समझाते हुए बोलता है कि मैं तो इनसे भी ज्यादा लाचार हूँ, जिसे कि अपनी हवेली का एड्रेस मालूम ही नहीं है, जिसे कि वो लेडीज भी ह्यूल की हेल्प के लिए मान जाती है। लेकिन गूगल मैप पर तो उन्हें ह्यूल का बताया हुआ एड्रेस मिलता ही नहीं है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है वो तो 100 साल पुराना एड्रेस जो बता रहा था, और अब तो सड़कों के साथ साथ जमाना भी चेंज हो चुका है। लेकिन फाइनली जाकर उसे अपने हवेली के सामने वाले टेलर की दुकान मिल जाती है, जिसका नाम अभी भी वही था, और वो बहुत ज्यादा खुश होकर उसको जाकर थैंक यू बोलता है, क्योंकि उनकी जनरेशन ने अभी तक उस नाम को चेंज नहीं किया था। टेलर सोचता है कि शायद ये लड़का पागल है और इसलिए इतनी अजीब अजीब सी बातें कर रहा है। फाइनली ह्यूल अपनी हवेली में पहुंच जाता है, जिसे देखकर तो वो बहुत ज्यादा खुश हो रहा होता है। फटाक से जाके अपनी ड्रेस को भी चेंज करके दोबारा से कॉफिन में ये सोचकर सोने के लिए जा रहा होता है कि शायद अब एक दिन और सोने के बाद वो पूरी तरह से ह्यूमन बन सकता है। लेकिन ये देखते ही कि कॉफिन तो जल रहा है, वो तो बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है, क्योंकि अब उसका टाइम जो कंप्लीट हो चुका था और इसलिए वो कॉफिन अपने आप ही जलने लग गया था। जैसे ही वो बाहर आता है, उसे बाहर जूही मिलती है, वो भी उसे देखकर काफी ज्यादा शॉक हो जाती है। दोनों में बहस स्टार्ट हो जाती है और वो उसे अपने घर से निकलने के लिए बोलती है, लेकिन ह्यूल तो जा ही नहीं रहा होता है, ये बोलते हुए कि ये तो मेरी हवेली है, मैं यहाँ से क्यों जाऊँ, बल्कि जाना तो यहाँ से तुम्हें चाहिए।
लेकिन अपने वैम्पायर के पास कोई सबूत तो था नहीं कि यह हवेली क्योल की ही है, और जूही के पास तो उसकी चाबियां भी थी। जिसके बाद वह फिर से उसे अपनी दुख भरी दास्तान सुनाते हुए बोलता है कि मैं 100 साल तक कैसे रहा हूँ ये तो तुम कभी सोच भी नहीं सकती। कीड़े मकोड़ों ने मुझे बहुत ज्यादा परेशान किया है और साथ ही भूत भी मुझे इंसान समझकर रोज रोज डराने के लिए वहाँ पर पहुँच जाते थे। और लिटरली गाइस ये सीन इतना ज्यादा बनी था ना कि मैं क्या ही बताऊँ आपको। जिसका सारा ब्लेम वो जूही पर डालते हुए बोलता है कि तुमने अगर आज मुझे नहीं उठाया होता ना तो मैं पूरी तरह से ह्यूमन बन चुका होता। जूही के ये बोलते हैं कि अगर तुम सच में वैम्पायर हो ना तो इसका सबूत दो। क्यूल अपने वैम्पायर वाले दांत दिखाने की कोशिश कर रहा होता है लेकिन वो तो बाहर आते ही नहीं है। जिसके बाद वो अपनी सुपर नेचुरल पावर के यूज से हवा में भी उड़ने की कोशिश कर रहा होता है, साथ ही सामान को भी हवा में उड़ा रहा होता है, लेकिन ऐसा तो कुछ होता ही नहीं है और उसकी सुपर पावर भी यूज में नहीं आती है। ये सब कुछ देखकर तो ह्योल काफी ज्यादा शॉक हो रहा होता है, और ये सब उसके साथ में गाइस इसलिए हो रहा था क्योंकि उसने बहुत टाइम से खून जो नहीं पिया था और इसलिए वो काफी ज्यादा वीक हो चुका था। लेकिन जैसे ही ह्योल जूही की आंखों में देखता है वो अपने रिफ्लेक्शन को साफ साफ देख पा रहा था, वो उसके बहुत ज्यादा नजदीक जाने लग जाता है और इसलिए गुस्से में जूही तो उसे घर से ही बाहर निकालते हुए बोलती है कि मैं समझ चुकी हूँ कि तुम एक बहुत ही बड़े फ्लर्टी हो। जूही को बहुत ज्यादा भूख लगी थी और इसलिए फूड स्टोर जाकर नूडल्स लेकर बस खाने वाली होती है, लेकिन सामने देखती है कि ये क्या, हमारा वैम्पायर तो बेचारा सड़कों के डस्टबिन को खोल खोल कर झांक रहा था क्योंकि वो उस कैटमैन को जो ढूंढ रहा था। साथ ही उसे बहुत ज्यादा भूख लग रही होती है और नूडल्स देखकर तो उसके मुंह में पानी आने लग जाता है, और इसलिए जूही भी फिर उसकी ये हालत देखकर उसे खाने के लिए नूडल्स देने लगती है, जिसे खाकर तो वो बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है क्योंकि पहली बार उसने अपनी लाइफ में खून के अलावा कुछ खाया था और वो उसे बहुत ही ज्यादा टेस्टी भी लग रहे होते हैं। बोलता है कि अरे वाह, ह्यूमन फूड इतना ज्यादा टेस्टी होता है ये तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। तो दोस्तों मेरा अब आपसे ये सवाल है कि आप लोग का फेवरेट फूड कौन सा है, तो मुझे ये बात कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हम भी तो जाने कि यहाँ पर कौन कौन मेरी तरह चटोरा है। बिल तो फिर ह्योल को जूही के अंदर अपनी गर्लफ्रेंड ना ही दिखाई देने लग जाती है और वो उसी की यादों में खो जाता है और फिर सो जाता है। शॉप ओनर फिर उसे उठाते हुए बोलता है कि अरे भाई अपने घर जाकर सो, ये कोई सोने की जगह थोड़ी ना है। जूही भी वहाँ से जा चुकी थी। जैसे ही ह्योल फिर रास्ते में घूम रहा होता है बिल्ली को देखकर वो सीधा उससे इग्नोर मारते हुए जा रहा होता है, लेकिन देखते ही देखते वो बिल्ली तो सीधा मिस्टर कैट ही बन जाती है और ये देखकर ह्योल भी काफी शॉक हो जाता है। और वहीं सच जाने के बाद वो उसे समझाते हुए कहता है कि अगर कॉफिन का ओनर उसके अंदर नहीं है तो वो जलकर राख हो जाता है और अब तुम हाफ ह्यूमन और हाफ वैम्पायर बन चुके हो। साथ ही वो ये जानकर भी बहुत ज्यादा शॉक होता है कि कोई भी लड़की इतनी आसानी से किसी भी कॉफिन को नहीं खोल सकती, जिसका साफ मतलब यही है कि अब वो लड़की ही तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक पहुंचा सकती है और इसलिए तुम्हें उसका पूरा ध्यान रखना होगा और उसे हर मुसीबत से भी बचाना होगा। वहीं जैसे ही जूही अपने पुराने वाले घर पहुंचती है देखती है कि उसका सामान नीचे फेंका जा रहा था क्योंकि वो घर तोड़ रहे थे, जहां पर अचानक से डॉशिन भी पहुंच आता है और ये देखकर वो उन सारे वर्कर्स पे बहुत ज्यादा गुस्सा होते हुए बोलता है कि किसी के भी साथ उन्हें इस तरह से बिहेव बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। और जूही को देखते ही वो दोनों भी एक दूसरे को पहचान जाते हैं क्योंकि दोनों साथ में ही कॉलेज में थे। डॉशिन जूही को बहुत ज्यादा लाइक भी करता था लेकिन ये बात तो जूही जानती नहीं थी। साथ ही वो उसे अपना रियल स्टेट वाला कार्ड देते हुए बोलता है कि तुम्हें जब भी मेरी जरूरत हो तो याद जरूर करना। रास्ते में जाते हुए जूही को वही फेक हाउस ओनर मिल जाता है और वो उसे अपने पैसे वापस मांग रही होती है, बट वो तो उसे देखकर भागने लग जाता है और जूही भी उसके पीछे भाग रही होती है और अचानक से एक गाड़ी के सामने भी आ जाती है लेकिन वो बच जाती है। वही ह्योल जो घर के बाहर बैठकर जूही के आने का वेट कर रहा था क्योंकि उसके पास चाबी नहीं थी, और देखते ही देखते अचानक से उसकी गर्दन पे वो जूही का बाइट वाला निशान अचानक से एक्टिव होने लग जाता है, साथ ही उसे जूही की आवाजें भी सुनाई दे रही थी। भागते हुए वो उसे यहाँ वहाँ ढूंढ रहा होता है लेकिन वो तो उसे मिल नहीं रही थी। फटाक से वो फिर एक खून की बोतल निकालता है जो कि उसे मिस्टर कैट ने ही दी हुई थी, और साथ ही ये भी कहा था कि हर हाल में उसे जूही को प्रोटेक्ट करके रखना होगा, इसलिए वो उसे पीता है जिससे कि उसके अंदर उसकी वैम्पायर वाली पावर्स वापस से आने लग जाती है और वो यहाँ वहाँ उड़ता हुआ सीधा जूही के पास पहुँच जाता है जो कि उस फ्रॉड आदमी के पीछे भागते भागते एक सुनसान जगह में पहुंच चुकी थी, और वो बस उसे रॉड से मारने वाला होता है लेकिन वहां पर आकर हमारा वैम्पायर जूही को बचा लेता है। ये देखते ही कि ह्योल ने उस रॉड को मोड़ दिया है
जूई और वो फ्रॉड आदमी तो बहुत ज्यादा शॉक हो जाते हैं। वो उसके ऊपर नाइफ से मारता है, लेकिन देखते ही हील के छूते ही वो जख्मी अपने आप से हील हो जाता है, जिससे कि इस फ्रॉड की तो भाई हवाइयां ही उड़ चुकी थी। वो तो बेचारा डर कर वहां से भाग जाता है और जूही को भी उसकी सारी बातें याद आने लग जाती है और वो बोलती है कि क्या तुम सच में एक वैम्पायर हो। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में ना ही एक सुनसान सी जगह पर जा रही होती है जहां वो एक वैम्पायर को देखकर काफी ज्यादा डर चुकी थी। वो भी उसे बस मारने के लिए जा रहा होता है, लेकिन बीच में आते ही हील उसकी जान को बचा लेता है और उसे उठाने के लिए वैसे ही अपना हाथ दे रहा होता है जैसे कि उसने अभी जूही को दिया है। जूही जो कि ये सब कुछ देखकर सदमे में जा चुकी थी, वो तो यही सोच रही थी कि मैंने तो इसके साथ इतना कुछ किया है, उसके बाद भी ये मेरी हेल्प आखिरकार क्यों कर रहा है। जैसे ही वो उसे अपना हाथ दे रही होती है, देखती है कि फ्रॉड ऑनर तो वहाँ से भाग रहा होता है, इसलिए वो ह्योल को ही धक्का मारकर फ्रॉड को पकड़ने के लिए पहुँच जाती है, जहाँ पर पुलिस भी पहुँच चुकी थी और वो उसे फिर पुलिस स्टेशन में ही ले जाते हैं। चूंकि बहुत ही ज्यादा डरा हुआ था और वो उन्हें ह्योल के वैम्पायर होने वाली सारी बातें समझा रहा होता है, लेकिन वो तो कुछ समझने के लिए रेडी ही नहीं थे। साथ ही वो बोलता है कि जूही भी वहीं पर थी और ये सब कुछ जानती है, लेकिन वो तो उल्टा ही उस फ्रॉड को मारती है, उससे अपने पैसे मांग रही होती है, जहां पर देखते ही देखते वो सारे लोग आ जाते हैं जिनके साथ उसने फ्रॉड किया था और सबके सब अपने पैसे मांग रहे होते हैं। वहीं अपना वैम्पायर तो इतनी सोच में डूबा हुआ था कि आखिरकार उसके साथ में ये सब कुछ चल क्या रहा है, और सामने ही एक शॉप देखकर उसके अंदर घुसकर बहुत सारी शॉपिंग करने लग जाता है और न्यू न्यू ड्रेसेस पहनकर देख रहा था, जिसका उसे बहुत ज्यादा शौक है। जैसे ही फिर बिल देने की बारी आती है ना, तो उसे अचानक से याद आता है कि अरे हाँ, उसके पास तो नाई का वॉलेट है, जो कि वो तो इंसिडेंट वाली जगह पर ही भूल गई थी। और देखते ही देखते वैम्पायर ने बेचारी का बैंक अकाउंट ही सारा खाली कर दिया था। जैसे ही वो घर पहुंचता है तो देखता है कि जूही तो बहुत ज्यादा सैड है, क्योंकि उस फ्रॉड ने तो उसके पैसे लौटाए ही नहीं थे और जूही भी उसे इतने सारे शॉपिंग बैग के साथ देखकर काफी ज्यादा शॉक हो चुकी थी। लेकिन जैसे ही उसे ये मालूम चलता है ना कि वो सारा सामान तो वैम्पायर ने उसी के पैसों से लिया है, वो तो बहुत ही ज्यादा आग बबूला हो जाती है और बोलती है कि क्या तुम जानते भी हो कि तुमने मेरे सालों की सेविंग्स को सेकंड में ही उड़ा दी है और मेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं बचे हैं। ह्योल भी उसे ये बोलते हुए अपना खजाना लेने के लिए जाने लग जाता है कि मैंने कॉफिन में सोने से पहले इसे संभाल कर रखा था ताकि उड़ने के बाद ये मेरे काम आए। लेकिन जैसे ही वो उसे खोलकर देखता है, उसमें तो कुछ होता ही नहीं है। और जैसे ये बात जूही को मालूम होती है, वो तो उसके ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा होते हुए बोलती है कि अगर तुमने मेरे पैसे नहीं लौटाए ना, तो मैं तो इस हवेली को भी बेच दूंगी। और ये सुनते ही ह्योल भी उसे समझाने लग जाता है कि नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि 100 साल मैंने इसे प्यार से बनाया था और ये मेरी हवेली है। रही बात तुम्हारे पैसों की, तो वो तो मैं तुम्हें जल्द ही लौटा दूंगा। जिसके बाद वो अपनी ड्रेसेस पहनकर मस्त मस्त पोजेस मारने लग जाता है, लेकिन वो तो जानता ही नहीं था कि जूही ने उसकी फोटो खींचने की जगह उन्हें बेचने के लिए ही डाल दिया है। साथ ही उसे बोलती है कि कल जाकर उस आदमी को ये कोट देकर पैसे ले आना। जैसे ही वो फिर उस लोकेशन पे पहुंचता है, तो यहाँ वहाँ उस आदमी को ढूंढ रहा होता है और वो आदमी कोई और नहीं बल्कि सॉन्ग होता है, और वो दोनों एक दूसरे को देखकर काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं। ह्योल के ये पूछते ही कि वो जो खजाना मैंने संभाल कर रखा था, वो क्या तुमने लिया है। सॉन्ग तो बहुत सारे बहाने मारते हुए बोलता है कि नहीं नहीं बॉस, मैं तो उसके बारे में कुछ जानता ही नहीं हूँ। और जैसे ही डोंग अपने बॉस को देखता है ना, वो तो बेचारा खुशी के मारे ही रोने लग जाता है। सच जानते है कि ह्योल अब आधा इंसान और आधा वैम्पायर है, वो दोनों तो बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाते हैं। और जैसे ही ह्योल उनसे जूही को चुकाने के लिए 1 मिलियन वो मानता है, वो दोनों एकदम चुपी हो जाते हैं, क्योंकि उनके पास तो पैसे थे ही नहीं और यहाँ तक कि वो तो खुद भी कर्जे में डूबे हुए थे। वहीं जूही अपने पुराने घर में पहुंचकर सारा सामान ले रही होती है, जहां पर अचानक से डोशिन भी पहुंच जाता है और एक कॉकरोच को देखकर उससे डरकर वो तो यहां वहीं भागने लग जाती है। और ये सब कुछ देखकर तो डोशिन काफी ज्यादा हंस रहा होता है। जैसे ही उसे ये मालूम होता है कि जूही को एक हवेली विरासत में मिली है, वो तो उसे वहां छोड़ने के लिए पहुंच जाता है, जहां पर हमारा वैम्पायर भी पहुंच चुका था। और ये जानते हैं कि वो दोनों साथ में रहते हैं, डोशिन तो काफी ज्यादा शॉक हो गया था, लेकिन जूही बहाना मारते हुए बोलती है कि ये मेरे दूर का रिश्तेदार है। ह्योल से हाथ मिलाते ही डोशिन उसे बोलता है कि तुम्हारे हाथ तो बहुत ज्यादा ठंडे हैं। जूही फटाक से उसे वहां से बहाना मारकर ले जाती है, जिससे कि डोशिन को ये शक ना हो जाए कि ह्योल एक वैम्पायर है, और उसके ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा होने लग जाती है, क्योंकि उस कोट को बेचकर वो आधे पैसे ही लेकर आया हुआ था। जिससे कि जूही फिर उसे एक कॉन्ट्रैक्ट पे साइन करवाते हुए बोलती है कि अगर तुमने 6 महीने के अंदर मेरे पैसे नहीं लौटाए, तो मैं इस हवेली को बेच दूंगी।
और इसलिए वो जॉब के चक्कर में सॉन्ग के पास बहुत ज्यादा है, जो कि उसे बोलता है कि अगर आपको एम्प्लॉयमेंट चाहिए तो उसके लिए आपका आईडी कार्ड होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और वो उसकी अजीब अजीब सी फोटो खींचकर उसका आईडी कार्ड बना लेता है, जिसमें वो काफी ज्यादा क्यूट लग रहा था। जिसके बाद एम्प्लॉयमेंट एजेंसी वालों ने उसे फ्यूनरल सर्विस की जॉब पर भेज दिया था, क्योंकि होल ने उनसे ये कहा था कि मुझे एक ऐसी जॉब चाहिए जिसमें मैं सूट पहन सकूं, क्योंकि ये मेरा फेवरेट है। लेकिन वहां पहुंचते ही बेचारे अपने वैम्पायर के सर में तो बहुत ज्यादा दर्द होने लग जाता है, क्योंकि हर जगह उसे खून की स्मेल ही आ रही थी। और जैसे ही मॉर्ग हाउस में एक बंदा घूम रहा होता है ना, तो उसे अचानक से खराटों की आवाजें आने लग जाती हैं। और जैसे ही वो कॉफिन को खोलकर देखता है तो उसमें कोई और नहीं बल्कि अपना वैम्पायर ही सोया हुआ था, जिसके चक्कर में तो फिर उन दोनों को ही जॉब से निकाल दिया जाता है। ह्यूल अचानक से अपने सामने मिल्क डिलीवरी मैन को देखता है, जो जॉब उसे काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने लग जाती है, और वो फिर उसी के लिए निकल पड़ता है। लेकिन भाई ये काम भी उसे सही से नहीं हो पाता, और अचानक से एक बाइक वाले से टकरा जाता है और उसका सारा मिल्क फैल जाता है। और वो लड़का तो उसे सॉरी बोलने की बजाय ही उसका मजाक बनाकर वहां से मिल्क पीकर भाग जाता है। वहीं जॉब एजेंसी वाला बंदा भी उन पे काफी ज्यादा गुस्सा हो रहा होता है, क्योंकि उन्होंने तो अपना कोई भी काम सही से किया ही नहीं था। और जैसे ही ह्यूल फिर घर पहुंचता है, थक हार कर सोफे पे जाके लोटपोट हो जाता है और बोलता है कि पैसे कमाना बहुत ज्यादा मुश्किल है, और ये बात मैं अब समझ चुका हूँ। जोई भी उसके ऊपर हंसते हुए बोलती है कि वैसे मैं घर की सफाई में लगी हुई हूँ, और अगर तुमने मेरी इसमें हेल्प की तो मैं भी तुम्हें कुछ पैसे दे सकती हूँ। और ये सुनते ही वो तो फटाफट से हवेली की सफाई में लग जाता है, जिस दौरान वो लोग काफी नजदीक भी आ चुके थे और बहुत ज्यादा मस्ती मजाक से भी घर की सफाई कर रहे होते हैं, जहाँ ये जानते हैं कि ये घर 100 साल पहले वैम्पायर ने बनाया था, जहाँ सिर्फ जंगल ही जंगल था। जूही तो बहुत ज्यादा शौक होते ही बोलती है कि क्या तुम्हें कोई और अच्छी जगह नहीं मिली, जिससे कि ह्यूल फिर नाही के ख्यालों में खो जाता है। और यहाँ पर ये पता चलता है कि ये जगह नाही की फेवरेट थी, और उसके चक्कर में ह्यूल ने यहाँ पर ये इतनी बड़ी हवेली बनाई थी। साथ ही जोई के ये बोलते हैं कि उसे वैम्पायर यानी ह्यूल से ज्यादा ह्यूमन से डर लगता है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा लालची होते हैं और फ्रॉड भी, जैसे कि उसका फ्रॉड हाउस ओनर। लेकिन ह्यूल जो कि एक वैम्पायर है, उसने तो उसकी जान बचाई है। ह्यूल सोच में डूब जाता है कि नाही और जोई का बिहेवियर बिल्कुल सेम है, और नाही को भी उससे कभी भी डर नहीं लगता था, जैसे कि जोई को नहीं लगता। और देखते ही देखते अचानक से उसका स्कार फिर से एक्टिव हो जाता है, जहाँ पर जोई ने बाइट किया था। और जैसे ही वो भागता हुआ उसके पास आता है, देखता है कि इसके ऊपर तो झूमर गिरने वाला है, वो फटाक से उसे अपनी गोद में उठा लेता है और बचा लेता है। लेकिन 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 अचानक से ह्यूल जोई को किस करने लग जाता है, क्योंकि उसके लिप्स पे ब्लड का ड्रॉप जो था। लेकिन यहाँ पर सबसे ज्यादा हैरानी की बात तो ये थी कि उसका ब्लड पीते ही ह्यूल को नाही की सारी बातें याद आने लग जाती हैं। ये देखकर तो जोई को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, और उतर कर उसे खूब मारते हुए बोलती है कि तुमने मेरी पहली किस चुरा ली, मेरी पहली किस किसी वैम्पायर के साथ होगी, मैं तो ये सोच भी नहीं सकती थी। और जैसे ही ह्यूल ये सारी बातें जाके चंगू मंगू को बोलता है ना, वो भी काफी ज्यादा शॉक हो चुके थे, जहाँ पर फिर एंट्री होती है अपने न्यू कैरेक्टर ब्लड डिलीवरी गर्ल रोज की। ह्यूल को देखकर वो काफी ज्यादा खुश हो जाती है, क्योंकि वो उसकी बहुत ही अच्छी दोस्त थी। साथ ही उसे बोलती है कि तुम्हारे अंदर से ना तो ह्यूमन की स्मेल आ रही है और ना ही वैम्पायर की, जिसका साफ मतलब है कि तुम अभी तक पूरी तरह से ह्यूमन नहीं बन पाए हो। साथ ही इसके लिए काफी ज्यादा खुश होती है और ब्लड देकर उसे वहाँ से जाने लगती है। ब्लड को देखते ही चंगू मंगू के तो वैम्पायर वाले दादी बाहर आने लग जाते हैं, फिर तीनों साथ में बैठकर ब्लड पीने लगते हैं। नेक्स्ट सीन में अपना वैम्पायर दबे पांव छुपते छुपाते हुए जूही के डर से हवेली के अंदर जा रहा होता है, लेकिन जूही उसे वहीं पर पकड़ लेती है। ह्यूल उसे माफी मांगते हुए बोलता है कि फिक्र वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि मुझे लव तो फील ही नहीं होता और न ही मेरी हार्ट बीट चलती है, मेरे अंदर से ब्लड की ही डिजायर है। जूही भी उसके ऊपर चिल्लाते हुए बोलते कि हाँ हाँ ठीक है, मैं भी सोच लूंगी कि मुझे किसी मच्छर ने काट लिया था, और जितना जल्दी हो सके मेरे पैसे लौटा दो। ह्यूल तो बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है कि इतने हैंडसम वैम्पायर का कंपैरिजन ये मच्छर के साथ आखिरकार कैसे कर सकती है। वहीं डॉशिन अपनी लॉकर में से एक सीक्रेट बुक निकालता है और अपने बचपन के बारे में सोच रहा था, जहां उसके डैड ने बोला था कि सदियों से चलते आ रहे हमारे श्राप को केवल ये बुक ही खत्म कर सकती है, क्योंकि वो एक वैम्पायर कर्स्ड बुक थी। साथ ही यहाँ पर हमें ये भी पता चलता है कि डॉशिम हर साल अपना हार्ट चेकअप कराने के लिए हॉस्पिटल में पहुंचा हुआ होता है, क्योंकि उसे एक हार्ट डिसीज है जो कि उसकी फैमिली में बरसों से चलती आ रही है, और उसके फैमिली के सारे मेंबर हार्ट अटैक से मर चुके हैं, और इसलिए वो भी हमेशा अपना चेकअप करवाता रहता है।
वही हियोल डोंग के साथ में उसके रेस्टोरेंट में होता है और सामने वाले स्कूल में फूड डिलीवरी देने के लिए जा रहा होता है, जहाँ पर जूही ऑलरेडी मेडिकल साइंस डिपार्टमेंट में नर्स का काम करती है। वो भी सारा टाइम हियोल के साथ में हुई उस किसके बारे में ही सोच रही होती है। नीचे ही उसे हियोल देखता है, जिसे वो अपना वहम समझती है। वही हियोल ने भी जूही को देख लिया होता है, वो उसे घूर रहा होता है, जहाँ सिक्योरिटी गार्ड आकर उसे बाहर निकालने लग जाता है। हियोल उसे पूछता है कि क्या यहाँ पर कोई जॉब है जो मेरे लायक हो, लेकिन वो सिक्योरिटी गार्ड तो कुछ सुनता ही नहीं है। और वहाँ पर अचानक से एक क्लीनिंग स्टाफ की लेडी पहुँच जाती है, उसकी सारी बातें सुन लेती है। और नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि अपना हैंडसम वैम्पायर अपनी क्लीनिंग का सारा सामान लेकर स्कूल की लॉबी में चल रहा होता है, और सारी लड़कियाँ देख कर उसे बहुत ज्यादा खुश हो रही होती, क्योंकि वो काफी ज्यादा हैंडसम जो लग रहा था। जहाँ वो बाइक वाला लड़का फिर से उसे टकरा जाता है, जो कि इस स्कूल का स्टूडेंट है, और फिर से उसका मजाक बनाकर वहाँ से चला जाता है। और जैसे ही हियोल फिर जूही के रूम में आता है कूड़ा लेने के लिए, वो तो उसे देखकर काफी शॉक हो जाती है और उसे वहाँ से जाने के लिए बोलती है, लेकिन हियोल उसे बोलता है कि वो तो यहाँ पर बस अपनी जॉब ही कर रहा है। जहाँ पर अचानक से एक लड़का पहुँच जाता है, उसकी नाक से ब्लीडिंग हो रही होती है, और ये देखते ही जूही लड़के को बचाते हुए हियोल को वहाँ से बाहर भगाती है कि कहीं वो वैम्पायर इसका खून ही ना पी जाए। जिसके बाद हियोल जब एक शॉप के बाहर से निकल रहा होता है, तो खून देखकर उसके दांत अपने आप बाहर निकलने लग जाते हैं, और वो बच्चा देखकर उसे जोर जोर से हंसने लग जाता है, जो कि कोई और नहीं बल्कि उसी टेलर का बच्चा होता है जिसके पूर्वज हियोल के अच्छे और सुंदर कपड़े सिला करते थे। लेकिन उनके सामने हियोल तो ऐसे ही दिखा रहा होता है कि जैसे वो भी उन सब की तरह एक इंसान ही है। वही फिर मिस्टर कैट जाकर हियोल से मिलते हैं नेक्स्ट सीन में, और ये पता चलता है कि ना ही हियोल से बहुत ही ज्यादा प्यार करती थी, क्योंकि जैसे ही उसके सैनिकों को ये मालूम चला था कि हियोल एक वैम्पायर है, वो उसे मारने के लिए वहाँ पर पहुंचे हुए थे, लेकिन वो उसे लेकर वहाँ से भाग गई थी, जिस चक्कर में उसकी जान भी चली गई। मिस्टर कैट हियोल को समझाते हुए बोलते हैं कि जूही का ब्लड तुम्हारे लिए जहर है, क्योंकि ये सब कुछ प्यार से ही स्टार्ट हुआ है, तो इसलिए तुम्हें पहले जूही को खुद से प्यार करवाना होगा, और उसके बाद ही उसका ब्लड तुम्हारे लिए यूजफुल होगा, जिसे पीने के बाद तुम फिर पूरी तरह से ह्यूमन बन जाओगे। जैसे ही वो फिर घर पहुंचता है, देखता है कि जूही और डॉशिन साथ में थे, और उसने उनकी सारी बातें छत से ही खड़ी होकर सुन ली थी, क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं कि वैम्पायर्स के कान कुछ ज्यादा ही तेज होते हैं। ये जानते ही जूही तो उस पे बहुत ज्यादा गुस्सा होते हुए बोलती है कि अपने कान मेरी लाइफ से दूर रखो। नेक्स्ट मॉर्निंग स्कूल में क्लीनिंग स्टाफ की एक लेडी के पैर में चोट लग जाती है, और हियोल उसकी हेल्प के लिए पहुंच जाता है। ये देखकर जूही को काफी ज्यादा अच्छा लग रहा होता है। लेकिन वहीं पर फिर से वो बदमाश लड़का आता है अपने दोस्तों के साथ में, और हियोल को फिर से परेशान करते हुए कूड़ा भी हवा फेंक रहा होता है। जहाँ पर अचानक से आग लग जाती है, बहुत सारे भगदड़ भी मच चुकी थी, जिसका जिम्मेदार हियोल और उस क्लीनिंग स्टाफ को ठहराया जा रहा था, और लड़का वहीं पर खड़े हुए मुस्कुरा रहा था। प्रिंसिपल हियोल को जॉब से निकालने ही वाला होता है, लेकिन वहाँ पर तभी अचानक से जूही सीसीटीवी फुटेज लेकर पहुँच चुकी होती है, जिसमें साफ साफ दिखाई दे रहा था कि वहाँ पे जलती हुई सिगरेट हियोल ने नहीं बल्कि बाइक वाली उस लड़के ने ही फेंकी थी। हियोल भी ये देखकर बहुत ज्यादा शॉक हो चुका था कि जूही ने आखिरकार उसकी साइड ले ही ली, और वो सच को सामने ले आई, जिसके बाद से तो बस वो उसी के ख्यालों में खो चुका था, और सोच रहा था कहीं जूही ही इसकी नाही तो नहीं है जिसने दोबारा से जन्म लिया है। लेकिन 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 कहानी में आता है एक बहुत ही बड़ा ट्विस्ट। डॉशिम एक लड़की को लेने के लिए एयरपोर्ट पे पहुंचा हुआ था, जो कि दिखने में बिल्कुल नाही जैसी ही थी। लास्ट सीन में हमने देखा था कि हियोल जूही के पास जाकर उसे नाही कह के बुला रहा होता है। जूही तो बहुत ज्यादा शॉक होती है, बोलती है कि तुम कहीं पागल वागल तो नहीं हो गए हो, मैं जूही हूँ नाही नहीं हूँ। जैसे ही वो धीरे धीरे उसके नजदीक जा रहा होता है, जूही के हाथ में डॉशिन का दिया हुआ पेपर स्प्रे होता है, वो उसकी आंखों में डाल देती है, और बेचारे की आंखें बहुत ही बुरी तरह से जलने लग जाती है। लेकिन यहाँ पर जूही ये देखकर काफी हैरान थी कि और खुश भी हो रही थी कि अरे वाह, यानी कि ये चिली पेपर स्प्रे वैम्पायर्स पे वर्क होता है, इसलिए वो दोबारा से उसकी आंखों में डालने लग जाती है। जिसके बाद दोनों शांति से जाकर बैठ जाते हैं, और हियोल अपनी आंखों को नैपकिन से साफ कर रहा होता है। जूही उसे सॉरी बोलती है कि तुम अचानक से मेरे पास आ गए थे, तो मैं काफी ज्यादा डर गई थी। हियोल फिर उसे नाही की सारी स्टोरी सुनाते हुए बोलता है कि कैसे उसने उसके लिए सैक्रिफाइस किया था, और सिर्फ नाही है जिसके लिए वो भी ह्यूमन बनना चाहता है। साथ ही उसे बोलता है कि मुझे तो तुम्हारे ऊपर शक है कि शायद तुम ही नाही हो, क्योंकि जब भी तुम किसी भी प्रॉब्लम में होती हो तो मुझे उसके बारे में अचानक से मालूम हो जाता है। एंड सेकंड थिंग इसकी मेरी
कॉफिन को तुमने इतनी आसानी से खोल लिया, जबकि उसे खोलना किसी भी आम इंसान के बस की बात तो है ही नहीं। जूही तो उसकी बातें से सुन के बहुत ही ज्यादा हैरान हुए जा रही थी और साथ ही बोलती है कि मेरे लाइफ में ऑलरेडी इतनी सारी प्रॉब्लम चल रही है कि जो तुम पास्ट लाइफ की बातें भी लेकर बैठ गए हो, मुझे तो तुम्हारी बातों पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। लेकिन स्टिल हियोल उसे ना ही बोल रहा था, इसलिए वो उसके ऊपर गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। हियोल बेचारा काफी ज्यादा सैड था। वो वापस चंगू मंगू के पास जाता है और वो उसे समझाते हुए कहते हैं कि जब तक तुम्हें 100% यकीन नहीं हो जाता कि जूही ही नहीं है, तब तक तो हम कुछ वैसे भी नहीं कर सकते हैं। और इसलिए सबसे पहले तुम्हें उसको अपने प्यार में लेकर आना होगा, जिसके बाद ही तुम उसका खून पीकर 100% इंसान बन पाओगे। वहीं डोशिम एयरपोर्ट से जिस लड़की को लेकर आ रहा था, उसका नाम सोहा था, जो कि दिखने में बिल्कुल ना ही जैसी ही थी। सोहा यहाँ पर हियोल की हवेली को देखने के चक्कर में पहुंची हुई थी, लेकिन ऐसा क्यों था, इसके पीछे क्या राज है, ये आपको वीडियो में आगे पता चल जाएगा। वहीं स्कूल में जब हियोल सफाई कर रहा होता है तो कुछ लड़कियां हियोल के ऊपर लाइन मार रही होती है, उसके लिए गिफ्ट भी लेकर आती है। हियोल को कुछ समझ नहीं आता, वो गिफ्ट ले जाकर सीधा जूही को देता है, जिसे देखकर तो वो उसके ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है कि मैं तुम्हारी कोई लवर तो हूँ नहीं जो तुम ये मेरे पास लेकर आए हो। जिसके बाद भाई बेचारा अपना हियोल चंगू मंगू के साथ में मिलकर जूही को मनाने और उसे अपने प्यार में लाने के लिए नई नई तरकीबें अपनाने लग जाता है, लेकिन वो सारी ही फेल हो जाती है। जिसके बाद फाइनली वो उसके मूवी के लिए पूछता है, जिसमें पहले तो जूही ना बोल रही होती है, लेकिन जैसे तैसे करके अपना वैम्पायर उसको मना ही लेता है। फटाक से दोबारा से चंगू मंगू के पास आता है, जो कि उसका बहुत ही अच्छे से ड्रेसअप भी कर देते हैं, जिसे देखकर जूही तो काफी इम्प्रेस हो जाती है। लेकिन भाई ये क्या, मूवी में तो जूही सो जाती है, जोर जोर से खर्राटे मारने लग जाती है, सारे लोग तो बस उन दोनों को ही घूर रहे थे, जिससे कि बेचारा अपना वैम्पायर तो काफी ज्यादा एम्बैरेस हो रहा था। बाहर आने के बाद वो उसे मूवी के बीच में सोने के लिए सॉरी भी बोलती है, जिससे कि योल उसे ये बोलते हुए छेड़ने लग जाता है कि लगता है कि तुम पूरी रात बस मेरे बारे में सोच रही थी इसलिए सो नहीं पाई। ये सुनते ही वो तो उस पे फिर से गुस्सा करने लग जाती है। वहीं सोहा एक वैम्पायर से मिलकर बोलती है कि वो उस हवेली को बिल्कुल भी भुला नहीं पा रही है और वो तो उसके जैसे जहन में बैठ चुकी है। और दोस्तों की वैम्पायर कोई और नहीं बल्कि वही वैम्पायर था जिसे कि एपिसोड 1 में ही उन्होंने एक इंसान का खून पीते हुए उसे पकड़ लिया था। वहीं दूसरी तरफ मिस्टर कैट हियोल को समझाते हुए बोलता है कि जैसी ट्रिक्स तुम अभी जूही के साथ में खेल रहे हो, उससे उसे तुमसे सच्चा प्यार नहीं होगा, बल्कि तुम्हें उसके लिए सच्चे दिल से सारे काम करने होंगे, वरना उसका जहरीला खून पवित्र खून में बदल ही नहीं पाएगा। वही स्कूल में प्रिंसिपल जूही को जॉब से निकालने के लिए बोल रहे थे, क्योंकि सब जगह सिर्फ यही बातें चल रही थी कि शायद जूही का चक्कर उस क्लीनिंग स्टाफ वाले हियोल के साथ में चल रहा है, जिससे कि उनके स्कूल की रेपुटेशन भी बहुत ज्यादा खराब हो रही थी। और जैसे ही ये बात हियोल को मालूम चलती है, वो फटाक से जूही के पास आकर सॉरी बोलता है कि तुम्हें सिर्फ और सिर्फ मेरे चक्कर में ही जॉब से निकाला जा रहा है। लेकिन जूही उसे समझाते हुए बोलती है कि इसमें तो तुम्हारी कोई गलती ही नहीं है, बल्कि प्रिंसिपल तो मुझसे पहले से ही खुन्नस में रहता है और इसलिए वो बस शायद इसी मौके की तलाश में ही था। लेकिन वही हम देखते हैं कि जूही तो बहुत ज्यादा सैड होती है, वो एक शॉप में जाकर बहुत सारी ड्रिंक ले रही होती है, जो कि डोशिन की शॉप थी और वो भी उसे देख रहा होता है दूर से ही, जो कि समझ आता है कि शायद वो भी सैड है। जैसे ही वो बिल दे रही होती है तो वहाँ का स्टाफ कहता है कि बिल की जरूरत नहीं है क्योंकि आज आपका लकी ड्रॉ निकला है, जिससे कि वो काफी ज्यादा खुश हो जाती है। और गाइस सब कुछ किसी और ने नहीं बल्कि डोशिन ने ही किया था। जब तक जूही घर नहीं पहुँच जाती है, डोशिन भी उसे पीछे पीछे फॉलो कर रहा होता है, लेकिन वो तो बेचारी रास्ते में ही लुटपोट हो जाती है और फाइनली डोशिम को आकर उसे उठाना ही पड़ता है। और ये जाने के बाद कि उसे जॉब से निकाल दिया गया है, वो भी थोड़ा सैड होता है और फिर उसे उसके घर छोड़ आता है। और यहाँ बेचारा हियोल भी जूही का ही वेट कर रहा होता है, लेकिन जूही की हालत देखकर वो समझ जाता है कि वो काफी ज्यादा दुखी है। साथ ही वो अपनी पूरी लाइफ का टुकड़ा भी उसे सुना रही होती है कि मेरे मॉम डैड ने मुझे बचपन में ही छोड़ दिया था और मैंने अपनी बहुत सारी सेविंग्स की थी, लेकिन अभी मेरे पास कुछ भी नहीं बचा। नेक्स्ट मॉर्निंग जैसे ही हियोल जाकर देखता है तो जूही की तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी और इसलिए बेचारा अपना वैम्पायर उसके लिए बुक में से देखकर बुखार की दवाइयाँ बना रहा होता है, जहाँ पर अचानक से डोशिम पहुँच जाता है, क्योंकि वो भी जूही को देखने के लिए आया था और साथ में वो मेडिसिन भी लेकर आया था। हियोल तो देखकर बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है कि अरे वाह, आजकल तो सब कुछ रेडीमेड ही मिलने लग गया है, यानी कि दवाइयाँ बनाना इतना ज्यादा आसान हो गया है क्या।
दवाई का सारा क्रेडिट खुद लेते हुए बोलता है कि ये सब कुछ मैंने सिर्फ तुम्हारे लिए ही तो किया है। हियोल ने जैसे उसकी देखभाल की थी उसका ध्यान रखा था, जुई तो उसे काफी इम्प्रेस हो गई थी। स्कूल से अपना सारा सामान लेकर आने के बाद जब वो जा रही होती है तो उसका सामान नीचे गिर जाता है और बेसमेंट में जाने लगता है, और इसलिए वो भी बेसमेंट में जाती है तो उसे वहाँ पर एक फोटो मिलती है जिसमें नाई का स्केच था। और जैसे ही हियोल वहाँ पर आता है वो उससे पूछती है कि अगर मैं सच में पिछले जन्म में नाई थी तो मुझसे प्यार करने लग जाओगे। हियोल उसे हंसते हुए बोलता है कि अरे नहीं नहीं, तुम तो मेरी नाई जैसी हो ही नहीं सकती हो क्योंकि तुम्हारे अंदर तो खून जहरीला है और साथ ही तुम बहुत ही ज्यादा गुस्से वाली भी हो। मेरी नाई तो बहुत ज्यादा प्यारी और शांत थी। ये सब कुछ बोल बोल के वो उसे काफी ज्यादा छेड़ने लग जाता है और जूही उस पर दोबारा से ही गुस्सा होने लग जाती है। साथ ही यहाँ पर फ्लैशबैक से ये भी मालूम चलता है कि हियोल ने प्रिंसिपल को फोन पे बात करते हुए सुन लिया था कि किसी और को रखने के चक्कर में उन्होंने जूही को जानबूझकर जॉब से निकाला है। हियोल को तो बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है, वो तो उसके ऊपर बहुत सारा पानी फेंकने लगता है। ये सारी बातें वो जूही को बता रहा था तो जूही भी जोर जोर से हंसने लग जाती है और इसी चक्कर में फिर हियोल ने भी अपनी जॉब छोड़ दी। यानी कि अब अपना वैम्पायर और जूही दोनों के दोनों बेरोजगार हो गए थे। नेक्स्ट मॉर्निंग जूही अपना इंटरव्यू देने के लिए जाती है लेकिन वो बेचारी तो कहीं सेलेक्ट ही नहीं होती, जिसके बाद उसे मिलने के लिए टॉसिम आता है और उसे एक एडवाइस देते हुए बोलता है कि क्यों ना तुम अपनी हवेली को एक गेस्ट हाउस ही बना लो क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे रूम खाली पड़े हुए हैं अभी भी। जूही को उसका आइडिया बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है, वो हियोल से इस बारे में बोल रही होती है लेकिन हियोल तो उसे साफ साफ ही इनकार करने लग जाता है। लेकिन जूही फिर उसे समझाते हुए बोलती है कि हमारे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं बचे हैं और नेक्स्ट मंथ ही मुझे क्रेडिट कार्ड बिल और हाउस टैक्स भी भरना है और अगर ऐसा नहीं हुआ तो हमें इस हवेली से भी निकाल दिया जाएगा, सोच लो। जिसके बाद पूरा सलाह मशवरा करने के लिए हियोल फिर से अपने दोस्त चंगू मंगू और रोज के पास में पहुंच जाता है और जैसे ही उन्हें डोशिम के बारे में सब कुछ मालूम होता है कि ये तो बहुत ही ज्यादा फेमस है और जहाँ तक लगता है कि वो जरूर जूही को लाइक करता है वरना वो क्यों ही उसकी हेल्प करने लगा, जहाँ अपना वैम्पायर भी फिर उन दोनों के बारे में सोचने लग जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग ये जाने के बाद कि जूही उसके गेस्ट हाउस वाले आइडिया को यूज में ला रही है, डोशिम तो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है फोन पर ही। जिसके बाद उन दोनों की मीटिंग होती है और वहाँ पे उनका पूरा स्टाफ होता है, सब लोग प्लानिंग प्लॉटिंग में लग जाते हैं। जैसे ही वो फिर उसे घर छोड़ने के लिए आता है हियोल उन दोनों को फिर से साथ में देख लेता है और सोचने लग जाता है कि अगर जूही का खून वो पीना चाहता है तो उसके लिए ये बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि वो उस टाइम पर प्यार में हो। जरूरी तो नहीं है ना कि वो मेरे साथ ही प्यार में हो, वो तो किसी और के साथ में भी प्यार हो सकती है। साथ ही वो फिर बड़े ही स्टाइल में जूही को अपने मेंशन में गेस्ट हाउस खोलने की परमिशन भी देने लगता है। वहीं डोशिम के ऊपर चंगू ने अपनी पूरी अच्छी तरह से नजर बनाए हुए रखी थी क्योंकि ऐसा करने के लिए उससे हियोल ने ही बोला था, क्योंकि वो डोशिम के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानना जो चाहता था। जहाँ पर अचानक से वही वैम्पायर पहुंच जाता है और इसका नाम ली है, जो कि ये जानते ही बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है कि हियोल वापस आ चुका है। वहीं सोहा जाके सीधा डोशिम से मिलती है और उसे बोलती है कि वो उस मेंशन को खरीदना चाहती है, लेकिन डोशिम उसे बोलता है कि वो तो ऑलरेडी उसकी एक कॉलेज फ्रेंड जूही का है जो कि वहाँ पर गेस्ट हाउस खोल रही है और वो उसे बिल्कुल भी नहीं बेचना चाहती। यहाँ बेचारे अपने चंगू मंगू बहुत ज्यादा सैड होते हैं क्योंकि उनके पास अब बिल्कुल भी चवन्नी अठन्नी बची नहीं थी, साथ ही उनका रेंट भी धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा था। वही वैम्पायर ली एक सुनसान से इलाके में जाकर एक आदमी को मारकर उसका खून पीने के बारे में सोच रहा था, लेकिन मिस्टर कैट वहाँ पे पहुँच जाते हैं और उसे ऐसा करने से रोकते हुए उसे वार्निंग देने लगते हैं। वही एक बार फिर से अपने वैम्पायर और जूही के बीच में नोकझोंक होने लग जाती है जब वो लोग हवेली का मेजरमेंट ले रहे थे। हियोल तो जूही की आंखों में अपना रिफ्लेक्शन देखने के चक्कर में उसे कुछ ज्यादा ही नजदीक पहुँच चुका था, जो कि उसे अपने से दूर हटा देती है। नेक्स्ट सीन में डोशिम ने जूही को सोहा से मिलवाने के लिए वहाँ पर बुलाया हुआ था, जहाँ पर गाइस ये पता चलता है कि सोहा रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट कंपनी की सीईओ है और वो उसके मेंशन में कुछ ज्यादा ही इंटरेस्टेड है जो कि उसके गेस्ट हाउस के लिए इन्वेस्टमेंट देना चाहती है। जूही तो उसे देखकर काफी ज्यादा हैरान हो गई थी क्योंकि उससे उसकी शक्ल थोड़ी जानी पहचानी जब लग रही थी, जिसके बाद वो घर आकर ये सारी बातें हियोल को बता देती है। नेक्स्ट मॉर्निंग फिर डोशिम मेंशन को देखने के लिए वहाँ पर पहुँचा
हुआ था जिसे जूही सारा मेंशन फिर अच्छे से दिखा रही होती है। युल तो उन दोनों को दूर से ही खड़ा खड़ा घूर रहा था, जिसके बाद युल के ये पूछते हैं कि आखिर तुम दोनों के बीच चल क्या रहा है। डॉसी मुझे बोलता है कि जूही एक ऐसी लड़की है जिसे मैं हमेशा ही प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ और हमेशा ही उसका ध्यान रखना चाहता हूँ। योल को उसकी बातें काफी ज्यादा अजीब लग रही थी, लेकिन वहाँ पर जूही भी फिर चाय लेकर पहुँच जाती है, इसलिए वो उसे कुछ भी नहीं बोलता। जिसके बाद जैसे ही योल और फिर जूही थोड़ा सामान लेकर रास्ते में जा रहे होते हैं, तो वहाँ पर उन्हें सोहा मिल जाती है जो कि मेंशन विजिट के लिए वहाँ पर पहुंची हुई थी। और उसे देखते ही भाई अपना वैम्पायर तो काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता है, काफी शॉक हो जाता है, क्योंकि उसकी शक्ल बिल्कुल ही योल की नाई से जो मिलती थी। जूही को साइड में हटाकर वो तो फटाक से सोहा को अपने गले से ही लगा लेता है। ये देख कर तो जूही भी काफी शॉक थी। योल तो बहुत ज्यादा इमोशनल होते हुए बोलता है कि मैंने तो तुम्हारा बरसों से इंतजार किया था और फाइनली तुमने भी अपना वादा आखिरकार पूरा कर ही दिया, मुझे ढूंढते हुए तुम यहाँ पर पहुँच ही गई। जूही और सोहा दोनों ही ये सब कुछ देखकर बहुत ज्यादा शॉक हो रहे थे। सोहा उससे पूछती है कि वैसे तुम हो कौन, और इसलिए जूही बीच में सिचुएशन को संभालते हुए बोलती है कि एक्चुअली ये बहुत टाइम से बाहर है ना, तो शायद इसका दिमाग अभी सही से चल नहीं रहा है। सोहा का ऐसा बिहेवियर देखकर कि वो तो उसे पहचान नहीं रही है, यूएल भी फिर उसे सॉरी बोलने लगता है, जहां से वो सीधा बेसमेंट में जाकर नाही की फोटो को देख रहा होता है। जूही भी उसके पीछे पीछे पहुंच जाती है और उसे बोलती है कि सोहा और नाही की शक्लें तो बहुत ही ज्यादा एक दूसरे से मैच खाती है, और मैं समझ सकती हूँ कि अभी तुम्हें कैसा फील हो रहा होगा, और अगर वो सच में तुम्हारी नाही है तो उसे जल्दी सब कुछ याद आ जाएगा, फिक्र मत करो और मैं इसमें तुम्हारे साथ हूँ। योल भी उसे थैंक यू बोलता है और सीधा चंगू मंगू के पास पहुंच जाता है, जो कि गायब हुए खजाने के बारे में सोच रहे थे कि आखिरकार वो जा कहां पे सकता है। जिसके बाद सोहा के बारे में जाने के बाद चंगू मंगू भी काफी शॉक हो चुके थे। योल बोलता है कि शायद उसने मुझे इसलिए नहीं पहचाना क्योंकि मैं अभी पूरी तरह से इंसान जो नहीं बना हूं। योल बहुत ज्यादा सैड था, इसलिए जूही उसके लिए चिकन ब्रेड लेने के लिए सीधा चिकन शॉप पे पहुंची हुई थी, और जूही से ये जाने के बाद कि वो हवेली बहुत ही जल्द गेस्ट हाउस में चेंज होने वाली है, वो लेडी जाकर अपने हस्बैंड यानी कि उस टेलर को बता देती है, जो कि ये बोलते हुए काफी ज्यादा हैरान हो रहा था कि उस भूतिया हवेली में कौन ही रहना चाहेगा। जूही ह्योल को चीयर अप करने के लिए उसके लिए खून लेकर आई थी, ये देखकर वो भी थोड़ा खुश हो जाता है। मिस्टर कैट भी वहाँ पर पहुँच जाता है और सोहा के बारे में बोलते हुए कहता है कि मैं तो सब कुछ पहले से ही जानता हूँ, और इसलिए ये अब बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट हो चुका है कि तुम जल्द से जल्द जूही के प्यार में होने पर उसका खून पी लो, क्योंकि तुम्हें जल्द से जल्द अब इंसान बनना ही होगा। नेक्स्ट ह्योल देखता है कि जूही गेस्ट हाउस को लेकर बहुत ही ज्यादा परेशान हो रही होती है, इसलिए फटाक से वो डॉशन को फोन लगाकर उसकी हेल्प करने के लिए बोलता है, क्योंकि ह्योल चाहता था कि जूही और डॉशन नजदीक आ जाए और जूही प्यार में हो, जिसके बाद वो उसका खून पीकर ह्यूमन बन सके। योल का प्लान धीरे धीरे कामयाब होने लग जाता है, क्योंकि जूही और डॉशिम अब साथ में होते हैं, जो कि काम के साथ साथ अपनी उसी रेस्टोरेंट में लंच के लिए जाते हैं जहां वो कॉलेज टाइम में खाने के लिए जाते थे। वहां की ओनर तो उन्हें हस्बैंड वाइफ ही समझने लग जाती हैं, जिससे कि वो दोनों ही शर्मा जाते हैं। वहीं चंगू मंगू ह्योल की हवेली में पहुंचे हुए होते हैं, सब लोग मिलकर खोया हुआ सोना ढूंढ रहे थे। लिटरली गाइस, जिस वे में चंगू घुस घुस कर डिटेक्टिव जैसे सोना ढूंढ रहा था ना, वो बहुत ही ज्यादा फनी था, क्योंकि उसे वहां पर बिल्ली की मूंछ का एक बाल मिलता है, जिसे देखकर उसका शक पूरा पूरा मिस्टर कैट के ऊपर जाता है। लेकिन ह्योल फिर उन्हें डांटते हुए बोलता है कि वो बहुत ही ज्यादा स्पिरिचुअल है और वो ऐसी कोई हरकत कर ही नहीं सकते, क्योंकि ये बाल किसी और बिल्ली का भी हो सकता है। बटलर चोल के ऊपर भी उनका शक जाता है, क्योंकि मेंशन की देखरेख की सारी जिम्मेदारी तो बटलर चोल की ही थी। लेकिन ह्योल उन्हें फिर से बोलता है कि नहीं, उसे बटलर चोल के ऊपर पूरा पूरा भरोसा है, वो ऐसा नहीं करेंगे। जहाँ पर अचानक से जूही पहुँच जाती है और ह्योल के दोस्तों को यानी चंगू मंगू को देखकर काफी ज्यादा डर जाती है, क्योंकि उसे मालूम चल चुका था कि वो दोनों भी वैम्पायर हैं। लेकिन उसके बाद भी वो अपने डर को छुपाते हुए चंगू मंगू को सीधा सीधा वहाँ से बाहर निकलने के लिए बोलती है कि ये मेंशन जितना ह्योल का है उतना मेरा भी है, और मुझे यहाँ पे और ज्यादा वैम्पायर नहीं चाहिए। वहीं सोहा भी ह्योल के ख्यालों में डूबी हुई थी, लेके आते ही वो उसे अपने आप को गले लगाने के लिए कहती है, लेकिन बोलती है कि ये फीलिंग तो वैसी बिल्कुल भी नहीं है जैसे ह्योल को गले लगाते हुए आई थी, यानी कि उसमें कुछ तो खास है। सब कुछ जाने के बाद ली भी बहुत ज्यादा क्यूरियस होता है कि आखिरकार वो लड़का कौन हो सकता है जो कि सोहा के दिल और दिमाग में बस चुका है।
नेक्स्ट सीन में जूही सोहा को मेंशन विजिट के लिए इनवाइट करती है क्योंकि सोहा उनकी इन्वेस्टर है और वो चाहती है कि वो ज्यादा से ज्यादा पैसे हवेली में लगाएं। साथ ही वो ह्यूल को भी अच्छे से समझा देती है कि सोहा के यहाँ पर आने के बाद उसे उससे दूर रहना है, उसे घूर घूर कर नहीं देखना है और हक तो बिल्कुल भी नहीं करना है और उसे बहुत ज्यादा अनकम्फर्टेबल फील हो सकता है। ह्यूल को ये सब कुछ बिल्कुल भी मंजूर नहीं होता है लेकिन जूही के बोलने पर वो मान जाता है। उसके बाद बाहर जाकर नाई के येलो फ्लावर्स को देखने लग जाता है और उसी के बारे में सोच रहा होता है। जूही ने ह्यूल को काफी कुछ अच्छे से समझा दिया था, साथ ही उसकी बिगड़ी हुई टाई को भी वो सेट कर रही होती है, लेकिन ह्यूल तो उसकी आंखों में ही खो जाता है और बोलता है कि तुम्हारी आंखें बहुत ही ज्यादा खूबसूरत हैं। जहाँ पर तभी डॉशनिम और सोहा भी पहुंच जाते हैं। ह्यूल उसको वही येलो वाले फ्लावर्स देता है और वो भी काफी खुश हो जाती हैं। सोहा के ये पूछते ही कि तुम्हारा और जूही का रिश्ता क्या है, ह्यूल उसे बोलता है कि एक्चुअली हमारे यंग सिस्टर साथ में ही रहते थे और एक दूसरे को बहुत ही अच्छे से जानते भी थे। सोहा बोलती है कि अच्छा इसका मतलब है कि तुम दोनों का फ्यूचर में शादी का प्लान है। ह्यूल बोलता है कि नहीं हम बस अच्छे दोस्त हैं। डिनर के टाइम पर तो ह्यूल बस सोहा को ही घूरे जा रहा था, जूही से बहाने से रोक रही होती है लेकिन वो तो कुछ समझता ही नहीं है। ह्यूल एक वैम्पायर है और इसलिए उसे ह्यूमन फूड से एलर्जी होती है, वो कुछ भी नहीं खा रहा था और इसलिए सोहा फिर उसे खाने के लिए बोलती है लेकिन जूही तो उसे रोक रही होती है क्योंकि लास्ट टाइम नूडल्स खाने के बाद उसने ह्यूल की हालत देख ली थी। लेकिन वह ह्यूल तो मानता ही नहीं है, वो तो सोहा से लेकर खाना फटाफट से खाने लग जाता है और उसे खाना इतना ज्यादा टेस्टी लगता है कि वो तो जूही का खाना भी छीन रहा था, जिससे कि उसे बहुत ज्यादा नशा हो जाता है और सोहा के पास जाकर बोलता है कि मैंने तुम्हारा बरसों से इंतजार किया है और फाइनली अब तुम मेरे पास हो। इससे पहले कि वो कुछ और बोलता जूही आकर उसे वहाँ से बाहर ले जाती है। सोहा और डॉशन को तो कुछ समझ नहीं आ रहा होता है बल्कि वो तो ह्यूल की इन प्यारी प्यारी हरकतों के ऊपर हंस रहे थे। ह्यूल को होश मिलाने के लिए बाहर जाते ही जूही उसे जोर से थप्पड़ मारती है। ह्यूल फिर इन सारी चीजों के लिए उसे सॉरी बोलता है और जैसे ही वो लोग अंदर आते हैं ह्यूल देखता है कि शॉर्ट सर्किट के चक्कर में लाइट का कांच टूट कर वह सोहा के ऊपर गिरने ही वाला होता है। वो फटाक से अपनी शक्तियों का यूज करके सोहा के पास पहुंच जाता है और उसे बचा लेता है। डॉशिम फोन पे था, वो भी ये सब कुछ देखने वाला था लेकिन इससे पहले ही जूही उसके सामने आ जाती है, जिससे कि वो लोग काफी नजदीक हो जाते हैं। सोहा को बचाने के बाद तो अपना वैम्पायर वहीं पर बेहोश हो जाता है। डॉशिम और सोहा वहाँ से जा रहे होते हैं लेकिन जाने से पहले वो उसे थैंक्स बोलती है क्योंकि ह्यूल ने आज उसकी जान जो बचाई थी। लेकिन भाई अपना वैम्पायर तो सोफे पर आराम से सो रहा था। जूही को ह्यूल की सारी हरकतों पे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था क्योंकि आज तो वो लोग बाल बाल बचे थे वरना पकड़े ही जाते। ह्यूल पर चिल्लाकर वो वहाँ से जाने लग जाती है और अपना वैम्पायर सोते सोते सोफे से नीचे ही गिर जाता है। डॉशन भी आज के ही इंसिडेंट के बारे में सोच रहा था कि कैसे अचानक से स्पीड में जाकर ह्यूल ने सोहा को बचाया था। नेक्स्ट डे जैसे ही ह्यूल को होश आता है अपने सामने जूही को देखकर काफी ज्यादा डर जाता है और रात में उसने जो कुछ भी किया उन सब के लिए उसे सॉरी बोलता है और ह्यूमन फूड खाने के चक्कर में उसे बहुत ज्यादा वीकनेस हो रही होती है और वो जूही को थोड़ा खून लाने के लिए बोलता है बट वो तो उसे वहीं पर डांट कर चली जाती है। यहाँ चंगू मंगू रोज के साथ में होते हैं और उसे वही बिल्ली का बाल दिखा रहे होते हैं जो कि उन्हें हवेली के बेसमेंट में मिला था जहाँ पर उन्होंने सोना छुपाया था। जहाँ देखते ही देखते मिस्टर कैट भी पहुँच चुके थे और उन्हें बोलते हैं कि हाँ वो वहाँ पर गए जरूर थे लेकिन सोना लेने नहीं बल्कि ह्यूल को देखने की वो वहाँ पर सही सलामत लेटा है या नहीं। मिस्टर कैट सच बोल रहे हैं या झूठ वो तो खैर हमें आगे पता चल ही जाएगा। साथ ही वो चंगू मंगू को ये वार्निंग देकर वहाँ से जाने लग जाते हैं कि ह्यूल की जान को खतरा हो सकता है इसलिए उसका ध्यान रखना। वहीं बेचारा डॉशिम भी ह्यूल के बारे में सोच रहा होता है और उसे तो यही लग रहा था कि ह्यूल शायद कोई भूत है, जिसके लिए वो अपने सेक्रेटरी को ह्यूल की जानकारी निकालने के लिए बोलता है। साथ ही जूही को बोलता है कि जब तक हवेली में गेस्ट हाउस का काम चल रहा है तो तुम्हें एक दूसरे अपार्टमेंट में रहना होगा जो कि मैंने तुम्हारे लिए ऑलरेडी खरीद लिया है। वही ह्यूल के पास सोहा का कॉल आता है जो कि उसकी जान बचाने के लिए उसे थैंक्स बोलती है, साथ ही बोलती है कि मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ और मुझे तुम्हें कुछ देना है। जहाँ पर जूही भी पहुँच जाती है और हवेली में जाने के बाद उसे बोलती है कि जब तक यहाँ पर गेस्ट हाउस का काम चल रहा है तो हमें दूसरे अपार्टमेंट में जाकर रहना होगा। ह्यूल उसे बोलता है कि ठीक है तो मैं अपने दोस्तों के साथ में रह लूंगा और तुम डॉशिम के साथ में अच्छे से रहना, क्योंकि अपना वैम्पायर चाहता था कि डॉशिम और जूही जल्द से जल्द एक हो जाए और उसके बाद उसके प्यार में होने के बाद वो उसका खून पीकर ह्यूमन बन जाए। और जूही यही बोलते है कि तुम मेरे बिना आराम से रह तो लोगे ना। ह्यूल मुस्कुराने लगता है, जिसके बाद जाकर वो नाई की फोटो देख रहा होता है और सोच रहा होता है कि उसे जूही की आंखों में अपनी परछाई साफ साफ दिखाई देती है लेकिन सोहा की आंखों में बिल्कुल भी नहीं दिखती।
बाद वो सोहा से मिलने के लिए जाता है जो कि एक आर्ट गैलरी में होती है और ली भी उन दोनों को साथ में देख लेता है और उसे पता चल जाता है कि वो लड़का कोई और नहीं बल्कि हियोल ही है यानी कि वैम्पायर है। लेकिन यहाँ पर हैरानी की बात तो ये होती है कि गिफ्ट में सोहा ने हियोल को वही फ्लावर की पेंटिंग दी हुई होती है जो फ्लावर नाही के फेवरेट थी और ये देखकर तो हियोल भी काफी शॉक हो जाता है। वही हमारे दूसरे लव बर्ड्स यानी कि जूही और डॉसिम साथ में होते हैं। डॉसिम जूही को उसका अपार्टमेंट दिखाकर उसे लंच के लिए ले जाता है और वही अपने पुराने दिनों के बारे में दोनों सोच सोच कर हंस रहे होते हैं। जहां पर गाइस एक झलक से हमें ये पता चलता है कि डॉसिम तो पहले से ही जूही को बहुत ज्यादा चाहता था और उसके पास रहने के बस बहाने ही ढूंढता रहता था, लेकिन ये बात जूही को मालूम ही नहीं थी। वही हियोल भी अपने दोस्त चंगू मंगू के साथ में होता है, लेकिन बार बार वो जूही के बारे में ही सोच रहा था कि वो तो अभी डॉसिम के साथ में होगी और अच्छे से खाना वाना खाकर अच्छे से रह भी रही होगी। जूही का भी यहाँ पर यही हाल था, वो भी जानना चाहती थी कि आखिरकार हियोल और सोहा के बीच में क्या बात हुई होगी। जैसे ही वो हियोल को मैसेज भेजती है, हियोल तो उसे सीधा फोन ही लगा लेता है क्योंकि बेचारे को मैसेज का रिप्लाई करना तो आता ही नहीं था। जूही के ये पूछते ही कि तुम्हारे और सोहा के बीच में क्या क्या बातें हुई थी, हियोल उसे बोलता है कि जैसा जैसा तुमने कहा था मैंने वैसा ही किया, मैंने उसे अपने गले से नहीं लगाया और ना ही बोलकर भी उसे नहीं पुकारा। ये सब कुछ सुनते ही जूही काफी खुश हो जाती है और नेक्स्ट डे जैसे ही वो लोग हवेली के बाहर मिलते हैं तो उनके सामने एक गाड़ी आती है जो कि सोहा ने एज अ गिफ्ट हियोल के लिए भिजवाई थी। साथ ही उसे फोन पे ये भी कहा था कि इस गाड़ी का यूज तुम गेस्ट हाउस के काम में करना, लेकिन भाई अपने जूही के इरादे तो कुछ और ही थे, वो तो इस गाड़ी को बेचकर अपने पैसे हियोल से लेना चाहती थी। लेकिन वो बोलता है कि नहीं नहीं हम इसे अभी नहीं बेच सकते हैं क्योंकि ये मुझे सोहा ने दिया है, फिक्र मत करो मैं तुम्हारे पैसे जल्द लौटा दूंगा। हियोल के पास लाइसेंस नहीं था और ना ही उसे ड्राइविंग आती थी, लेकिन जैसे तैसे करके बेचारा अपना वैम्पायर सीख लेता है और उसके बाद वो जूही को भी लेकर जाता है ड्राइव पर, लेकिन जूही तो बहुत ज्यादा डर रही थी। धीरे धीरे ऐसे ही दिन बीतते जाते हैं और अब हवेली भी पूरी तरह से गेस्ट हाउस में बदल चुकी थी। हियोल और जूही तो काफी ज्यादा खुश होते हैं, लेकिन दुख की बात तो ये थी कि वहाँ पर कोई रहने ही नहीं आता है। जहाँ पर फिर टेलर और उसके चिकन शॉप वाली वाइफ भी उन्हें उनके न्यू गेस्ट हाउस के लिए कॉन्ग्रेचुलेशन बोलकर बहुत सारे फ्लावर्स भी लेकर आते हैं। वही नेक्स्ट सीन में जब हियोल हवेली से बाहर जा रहा होता है तो डॉसिम के सेक्रेटरी ने उसके ऊपर पूरी तरह से नजर बनाए हुई थी। हियोल को वहाँ पर ली मिल जाता है और जो कि उसे अपनी बातों से फिर से एक बार उकसा रहा होता है। हियोल उसे वहाँ से ये बोलकर जाने लग जाता है कि अब तुम्हें लोगों को परेशान करना छोड़कर अच्छे काम शुरू कर देने चाहिए। जैसे ही वो वहाँ से जा रहा होता है, ली तो उसके ऊपर गुस्से में गाड़ी चलाने वाला होता है, लेकिन वो उसे अपने हाथ से रोक लेता है और उस गाड़ी को ही उठा देता है। ये सब कुछ देखकर डॉसिम का सेक्रेटरी तो काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और सारी की सारी वीडियो उसके डैश कैम के कैमरे में भी रिकॉर्ड हो चुका था। वहीं अब गेस्ट हाउस में रहने के लिए एक लड़की भी पहुंच जाती है और ये जाने के बाद कि हियोल ने ही वो एडवर्टीजमेंट निकाली थी, जूही तो काफी ज्यादा खुश हो जाती है। यहाँ हियोल से मिलने के लिए मिस्टर कैट पहुंच जाते हैं और जैसे ही वो उसे कॉन्ग्रेचुलेशन बोलते हुए हाथ मिलाते हैं तो उन्हें कुछ बहुत ही अजीब सा फील होता है और साथ ही बोलते हैं कि तुम्हारा समय बहुत ही जल्द खत्म होने वाला है। जैसे ये चांद धीरे धीरे ढल रहा है ऐसे तुम भी बहुत जल्द गायब हो जाओगे और इसलिए उससे पहले ही तुम्हें जूही का खून पीना होगा ताकि तुम ह्यूमन बन सको, वरना तुम हमेशा के लिए गायब हो जाओगे। वही डॉसिम की सेक्रेटरी ने भी जो कुछ भी उसके साथ में हुआ वो सब कुछ उसे बताते हुए वो वीडियो भी दिखा दी थी जिसमें हियोल ने उस चलते हुए गाड़ी को रोककर उसे अपनी सुपरनेचुरल पावर से ही उठा दिया था। ये सब कुछ जाने के बाद डॉसिम तो पूरी तरह से ही शॉक हो जाता है। लास्ट सीन में हमने देखा था कि मिस्टर कैट ने उसे सब कुछ सच सच बताते हुए कहा था कि अगर तुम पूरी तरह से इंसान नहीं बन पाओगे तो तुम हमेशा के लिए गायब हो जाओगे, यानी कि अब उसे जल्द से जल्द जूही का खून पीकर पूरा इंसान बनना था और इसीलिए बेचारा सड़कों पर मारा मारा फिर रहा था, वो काफी ज्यादा सैड था। वहीं दूसरी तरफ डॉसिम जिसने हियोल को गाड़ी को अपनी सुपरनेचुरल पावर से उठाते हुए देख लिया था वो भी ये समझ चुका था कि हियोल कोई नॉर्मल इंसान नहीं है, इसलिए फटाक से वो जाता है जूही के पास और उससे इन सब के बारे में पूछने लगता है। जूही तो पहले बहुत ज्यादा हैरान होती है, उससे मजाक मजाक में बातों को घुमाते हुए बोलती है कि हाँ मैं जानती हूँ कि हियोल की हरकतें बहुत ज्यादा अजीब सी हैं, लेकिन मैं उसे बहुत पहले से जानती हूँ और ऐसा कुछ भी नहीं जैसे तुम समझ रहे होगे, तुम्हें कोई ना कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। लेकिन डॉसिम ये बात समझ चुका था कि हियोल कोई नॉर्मल इंसान नहीं है बल्कि वैम्पायर ही है। वही नेक्स्ट डे गेस्ट हाउस के गेस्ट हियोल को देखकर शॉक होकर बोलती है कि तुम कौन हो और यहाँ पर क्या कर रहे हो, जहाँ पर अचानक से जूही पहुँच आती है और उन दोनों को एक दूसरे से इंट्रोड्यूस करवाती है। हियोल बहुत ज्यादा सैड था तो इसलिए वो उसे बाहर लेकर जाती है और उससे पूछती है कि तुम ठीक तो हो ना, तुम्हें क्या हो गया है।
जहाँ पर हिल तो नॉर्मल ही एक्ट करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन वो बेचारा तो सही से कर ही नहीं पाता। जिसके बाद जूही उसे बोलती है कि वैसे भी तुम्हें ना मेरे बहुत सारे पैसे चुकाने हैं, तो चलो क्यों ना हम यहाँ के काम को आधा आधा बांट लेते हैं। क्लीनिंग वगैरह का सारा काम ह्योल को देकर वो खुद मालकिन बनकर बैठ जाती है, जहाँ ह्योल उससे कहता है कि अगर हम सारा दिन काम ही करते रहेंगे तो तुम डोशिम के साथ डेट पर आखिरकार कैसे जा पाओगी। ये सुनते ही जूही तो बोलती है कि तुम पागल तो नहीं हो गए हो, हम बस अच्छे दोस्त हैं और हमारे बीच में ऐसा वैसा कुछ भी नहीं है। जिससे कि अपना बेचारा ह्योल तो सैड हो जाता है, क्योंकि अगर जूही प्यार में नहीं हुई तो वो उसका खून पीकर जल्द से जल्द पूरा इंसान कैसे बन पाएगा। वहीं बेचारे चंगो मंगू ऑलमोस्ट सड़क पर ही आ चुके थे, क्योंकि उनका रेस्टोरेंट तो चल ही नहीं रहा था, वहाँ तो खाना खाने के लिए कोई जाता ही नहीं था, और इसलिए लैंडलॉर्ड भी आकर उन्हें रोज रोज वो जगह खाली करने को बोलता था, जिससे कि वो काफी ज्यादा सैड थे। यहाँ ह्योल और जूही से मिलने के लिए सुहा पहुँच जाती हैं, जो कि ह्योल को देखकर तो बहुत ज्यादा खुश हो जाती हैं और उसे कार राइड पर चलने के लिए बोलती हैं। लेकिन यहाँ अपना वैम्पायर तो बेचारे सदमे में था, यही सोच कर कि वो तो बहुत जल्द गायब होने वाला है और कुछ बोल ही नहीं रहा था। जहाँ सोहा उसे बताते हुए बोलती है कि तुमसे पहली मुलाकात मेरे लिए बहुत ही ज्यादा अजीब थी, और मुझे हमेशा से ही लगता है कि उस मेंशन में ऐसा कुछ तो जरूर है जो कि मैं हमेशा ही उसकी तरफ खींची चली जाती हूँ। सोहा की ये सारी बातें सुनकर ह्योल उसे बोलता है कि अगर तुम्हें कोई एतराज नहीं है तो क्या मैं तुम्हें अपने गले से लगा सकता हूँ। सोहा उसे हाँ बोलती है, जहाँ ह्योल उसे कहता है कि बस थोड़ा सा इंतजार और जिसके बाद अपना प्रॉमिस पूरा करने के साथ साथ मैं सब कुछ ठीक भी कर दूंगा। सोहा तो बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है कि आखिरकार ह्योल कहना क्या चाहता है, और इसलिए फिर वो ली को बोलती है कि मेंशन में जाकर वो ह्योल के बारे में सारी जानकारी निकाल कर लेकर आए कि वो जूही के साथ में वहाँ पर क्यों रहता है और उसका पास्ट क्या था। वहीं जैसे ही ह्योल घर पहुँचता है, जूही के साथ में उसकी बहस हो जाती है, क्योंकि वो बोल रही थी कि ऐसे वर्किंग आवर्स पर तुम घूमने के लिए नहीं जा सकते हो। ह्योल को भी बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और बोलता है कि तुम तो सोच भी नहीं सकते कि मुझे अभी कैसा फील हो रहा है और मैं कोई वहाँ पर मजे करने के लिए नहीं गया था। जूही के ये बोलते हैं कि मैं जानती हूँ कि मेरे कारण ही तुम अब इंसान नहीं बन पाए हो, जिसके लिए मैं तुमसे माफी भी मांगती हूँ। ह्योल उसे ये बोलकर वहाँ से जाने लग जाता है कि बिल्कुल सही कह रही हो तुम, क्योंकि ये सब कुछ तुम्हारे और तुम्हारे जहरीले खून की वजह से ही हो रहा है। ह्योल इंसानों का बहुत सारा खाना लेकर चंगो मंगू के पास पहुँच जाता है। उसकी हालत इतनी ज्यादा खराब देखकर वो दोनों भी बहुत ज्यादा चिंता में पड़ गए थे। वो उसे रोक रहे थे, पर ह्योल तो रुकता ही नहीं है और तो और इंसानों का खाना खाकर बहुत ज्यादा नशे में हो जाता है, क्योंकि वो ठहरा एक वैम्पायर जिससे कि इंसानों के खानों से एलर्जी हो जाती है। यहाँ जूही ह्योल को यहाँ वहाँ बेसमेंट में जाकर भी ढूंढ रही थी, लेकिन वो तो चंगो मंगो के पास नशे में पड़ा हुआ सो रहा था। बहुत ज्यादा रात हो जाती है, जैसे ही वो उठता है देखता है कि अरे ये तो बहुत ज्यादा लेट हो गया है। छुपते छुपाते हुए मेंशन में घुस रहा होता है, लेकिन जूही उसे पकड़ लेती है। ह्योल ने उसे चिल्लाकर बहुत ज्यादा भला बुरा कहा था, और इसलिए वो थोड़ा गिल्टी फील होकर उसे सॉरी बोलने के लिए अपना मुंह जैसे ही खोलता है। जूही तो उसके ऊपर ही गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है बिना कुछ बोले ही। जिसे कि जूही को मनाने के लिए ह्योल फिर घर का सारा काम ही अकेले ही बड़ी ही फुर्ती के साथ में करने लग गया था। एंड लिटरली गाइस, उसकी ऊटपटांग हरकतें बहुत ही ज्यादा क्यूट लग रही थी। वहीं जूही के गेस्ट हाउस का एक गेस्ट वहीं पर अकेले बैठकर ड्रिंक करते हुए अपनी फैमिली को बहुत ही ज्यादा मिस कर रहा होता है। साथ ही जूही को बोलता है उसकी बेटी और वाइफ को सिर्फ उसके पैसे से ही मतलब है और वो उसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करते हैं। लेकिन जूही फिर उसे समझाते हुए कहती है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, जरूर तुम्हारी बेटी भी तुम्हें मिस करती ही होगी, क्योंकि मेरे भी डैड सालों पहले कहीं चले गए थे और मैंने उन्हें बहुत ढूंढा, लेकिन उसके बाद जब मुझे ये मालूम चला कि वो अब इस दुनिया में है नहीं, तो मैं भी काफी ज्यादा सैड हो गई हूँ। वहीं रात के टाइम पर जब जूही और ह्योल वॉक के लिए निकले हुए होते हैं, तो फाइनली ह्योल उससे अपनी गलती के लिए माफी मांग लेता है और वो भी बोलती है कि तुम वर्किंग टाइम पर घूमने के लिए बाहर नहीं जाओगे, लेकिन असल में तो वो सोहा से जेलस हो रही थी। वही हम वैम्पायर लिन को देखते हैं, जो कि ह्योल के मेंशन में घुस चुका था, और यहाँ वहाँ ढूंढने के बाद फाइनली उसे नाही का वो स्केच मिल जाता है, जिसे देखकर वो काफी शॉक हो जाता है। यहाँ ह्योल के ये पूछते हैं कि प्यार तो बहुत ही खूबसूरत चीज है, आखिरकार तुम उसे एक्सपीरियंस क्यों नहीं करना चाहती। जूही बोलती है कि प्यार मेरे लिए सेम वैसे ही है जैसे कि ये सूखा हुआ पेड़ जिस पर कभी फूल नहीं आ सकते, क्योंकि मैंने अपनी पूरी लाइफ में सिर्फ सर्वाइव करने के लिए पैसे ही कमाए हैं और मैंने कभी प्यार किया ही नहीं है। ये बोलकर जैसे ही वो वहाँ से जा रही होती है, ह्योल की भी तबीयत अचानक से खराब होने लग जाती है, क्योंकि धीरे धीरे वो अब गायब जो होने वाला था।
वहीं डॉशन की भी तबीयत अचानक से खराब होने लग जाती है। उसे बहुत तेज हार्ट में पेन हो रहा था। सेक्रेटरी फटाक से उसे हॉस्पिटल लेकर जाता है, जहां डॉक्टर भी ये सब कुछ देखकर काफी ज्यादा हैरान हो रहे थे कि आखिरकार उसे क्या हो गया है। होश आते ही डॉशन सेक्रेटरी को अपने तिजोरी से वो वैम्पायर बुक लाने के लिए बोलता है, जहाँ पर फाइनली ये राज रिवील होता है कि डॉशन की दिल की बीमारी का क्योर कुछ और नहीं बल्कि हाफ वैम्पायर ब्लड है। यानी कि अगर उसे अपने खानदान की इस सदियों से चली आ रही बीमारी से ठीक होना है, अपने दिल को ठीक करना है, तो उसे एक ऐसे वैम्पायर का दिल निकालकर उसका खून पीना होगा जो कि आधा इंसान है। जिसका शक उसे ह्यूल पर था कि वो आधा इंसान और आधा वैम्पायर है। वहीं जैसे ही जूही वापस आती है तो उस पेड़ को देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाती है, क्योंकि ह्योल ने उसमें फूल के शेप में बहुत सारी खूबसूरत लाइट्स जो लगा रखी थी। साथ ही उसे बोलता है कि जैसे इस पेड़ पर फूल आ सकते हैं, वैसे ही तुम्हारी लाइफ में खूबसूरत प्यार की भी एंट्री हो सकती है। जूही बोलती है कि तुमने ठीक कहा, जैसे इस सूखे हुए पेड़ पर फूल आ सकते हैं, वैसे ही एक वैम्पायर पूरी तरह से इंसान भी बन सकता है, जिसमें मैं तुम्हारी पूरी पूरी हेल्प करना चाहती हूँ, तो बताओ मुझे क्या करना होगा। और जैसे ही ह्योल बोलता है कि उसके लिए मुझे तुम्हारा खून पीना होगा जब तुम प्यार में हो, ये सुनते ही जूही तो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और उसे बोलती है कि शायद तुम पागल हो गए हो, और वहां से चली जाती है। जूही को ह्योल की बात पर यकीन नहीं था, इसलिए बेचारा वो सैड होकर छत के रूफ पर जाकर बैठ जाता है कि आगे उसे क्या करना चाहिए। वहीं नाहिका वो स्केच ले जाकर ली ने सोहा को दे दिया था, जिसे देखते ही सोहा तो बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है कि क्या पेंटिंग में सच में वही है। यहाँ जैसे ही जूही को ये मालूम पड़ता है कि डॉशन तो हॉस्पिटल में, वो फटाक से उसे मिलने के लिए पहुंच जाती है, जिसे देखकर डॉशन भी काफी खुश हो गया था। और वहीं सोहा ह्योल से मिलने के लिए उसके मैंशन में पहुंच जाती है, जो कि बातों ही बातों में उसके बेसमेंट में जाने के लिए बोलती है, क्योंकि वो और उसके बारे में जानना जो चाहती थी। साथ ही वो ह्योल से नाही के बारे में भी सब कुछ पूछ रही होती है, जहां वो सिर्फ इतना ही कहता है कि नाही उसकी गर्लफ्रेंड थी जिसकी कुछ टाइम पहले ही डेथ हुई है। वो दोनों एक दूसरे से बहुत ही ज्यादा प्यार करते थे। सोहा धीरे धीरे ह्योल के नजदीक जा रही होती है, लेकिन अचानक से उन्हें जूही की आवाज सुनाई पड़ती है। जैसे ही वो लोग बाहर जाते हैं, सोहा को तो जूही पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और बहाना मारकर वहां से वो चली भी जाती है। ह्योल ये सारी बातें जाकर चंगो मंगू को बोल रहा होता है, जहां पर अचानक से रोज आ जाती है। साथ ही बोलती है कि अगर तुम्हें सच में जूही का खून पीना है, तो उसके लिए तुम्हें भी कुछ ना कुछ तो उसे देना ही होगा, क्योंकि फ्री में तो कुछ भी नहीं मिलता इस दुनिया में। ये सुनते ही ह्योल फटाक से जूही के पास जाकर बोलता है कि अगर तुमने मुझे अपना खून पीने दिया, तो ये सारा का सारा मेंशन मैं तुम्हें ही दे दूंगा। ह्योल की ये बात सुनते ही जूही को तो काफी गुस्सा आता है और उसे पागल बोलकर वहाँ से चली जाती है। वहीं डॉशन ने भी ह्योल के ऊपर पूरी पूरी नजर रखवाई हुई थी कि वो कहाँ जाता है और किससे मिलता है। साथ ही ह्योल से मिलकर वो उसे जूही से दूर रहने के लिए बोलता है और कहता है कि तुम्हें हवेली छोड़नी होगी, लेकिन ह्योल उसे बोलता है कि मेरा वहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट काम है, जब तक वो पूरा नहीं हो जाता मैं वो हवेली छोड़कर नहीं जाऊंगा, और वैसे भी वो मेरी ही हवेली है। वहीं दूसरी तरफ सोहा ने भी जूही को मिलने के लिए बुलाया हुआ होता है। साथ ही उसे बोलती है कि मैंने सुना है कि गेस्ट हाउस में गेस्ट बहुत ही कम आ रहे हैं, तो इसके लिए हमें एक पार्टी रखनी चाहिए, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा गेस्ट हमारे गेस्ट हाउस में रहने के लिए आ सके। जूही भी उसके इस आइडिया से बहुत खुश होती है और जाके सीधा ह्योल को उसके बारे में बताने लगती है। ह्योल भी सोचता है कि मेरे पास तो पहनने के लिए कुछ है नहीं, फटाक से जाता है उसी टेलर की शॉप में। जैसे ही वो उसका नाप लेने के लिए उसका नाम पूछता है ना, नाम सुनते ही टेलर तो काफी शॉक हो जाता है। साथ ही उसे एक खूबसूरत सा कोट निकाल कर देता है और बोलता है कि ये बहुत साल पहले एक आदमी ने बनवाया था, और साथ ही बोला था कि ह्योल नाम का एक लड़का इसे लेने के लिए जरूर आएगा। जहाँ पर गए समय ये पता चलता है कि वो आदमी कोई और नहीं बल्कि जूही के डैड थे, यानी कि वो बटलर चुल की फैमिली से ही थे, और ये बात ह्योल भी समझ आता है। घर आकर जैसे ही जूही उससे उस कोट के बारे में पूछती है, तो उसे सब कुछ बताने लग जाता है, और ये देखकर तो जूही भी काफी शॉक हो जाती है और अपने डैड को मिस करने लगती है। नेक्स्ट डे ह्योल और जूही सारी पार्टी की प्रिपरेशन में लगे हुए होते हैं, जहां चंगो मंगू के साथ रोज भी पहुंच आती है, जिसे देखकर पहले तो जूही बहुत ज्यादा घबरा जाती है कि क्या एक वैम्पायर कम था जो ये और आ गए। लेकिन जैसे जैसे ये पता चलता है कि चंगो मंगू और रोज तो उसकी हेल्प करने के लिए वहां पर पहुंचे हैं, वो भी थोड़ा शांत हो जाती है। नेक्स्ट सीन में अपना वैम्पायर अच्छे से रेडी शेडी होकर बाहर आता है, जो कि काफी ज्यादा हैंडसम लग रहा था। वहीं जैसे ही जूही अपनी ड्रेस पहनकर आती है, जो कि उसे रोज ने दी थी, उसे देखते ही ह्योल तो एकदम हक्का बक्का रह जाता है, क्योंकि वो काफी ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। पार्टी भी स्टार्ट हो जाती है और वहां पर डॉशन के साथ साथ सोहा भी पहुंच जाती है।
सभी लोग एक दूसरे से मिल रहे होते हैं, जिसके बाद जूही तो डोशिम के लिए वाइन लेने के लिए चली जाती है और वहीं सोहा भी ह्यूल को अपने साथ में ले गई थी। और यहाँ डोशिम को शक होता है और वो चंगू मंगू के पास पहुँच जाता है, जहाँ चंगू मंगू रोज के साथ में वाइन में खून मिलाकर पी रहे थे। डोशिम भी उनसे वही वाइन पीने के लिए मांग रहा था, लेकिन रोज बोलती है अरे अरे ये तो बहुत ज्यादा पुरानी है, जो की शायद खराब हो चुकी है, तुम्हें ये नहीं पीनी चाहिए। वहीं दूसरी तरफ ह्यूल बाहर उसी पेड़ के पास में खड़ा हुआ था, जहां जूही भी पहुंच जाती है और उसे बोलती है कि फिर से मानना तो पड़ेगा, क्योंकि जब से मैं इस हवेली में रहने के लिए आई हूं, मेरी लाइफ पूरी तरह से चेंज हो गई है और शायद ये सब कुछ तुम्हारी वजह से ही हुआ है, सो थैंक यू सो मच फॉर चेंजिंग माई लाइफ। और जैसे ही वो लोग पार्टी में वापस आते हैं, सब उन दोनों को देख कर साथ में डांस करने के लिए चेयर अप करने लग जाते हैं, जिसे जूही तो बहुत ज्यादा शौक भरी निगाहों से देख रही होती है। लेकिन ये सब कुछ किसी और ने नहीं, बल्कि ह्यूल ने पहले से ही जूही के लिए अरेंज करके रखा हुआ था। दोनों को ऐसे साथ में डांस करते हुए देखकर सोहा तो गुस्से में लाल पीली हो जाती है, उसे काफी ज्यादा जेलसी हो रही होती है। और वहीं डोशिम का भी यही हाल था, उसे काफी जलन हो रही थी। जूही और ह्यूल साथ में डांस कर रहे होते हैं, वो साथ में काफी ज्यादा खूबसूरत लग रहे थे, लेकिन सोहा को ये बात बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होती, उसे बहुत ज्यादा जलन हो रही होती है और वहाँ पर रखे हुए वाइन के सारे ग्लास वो तोड़ने लग जाती है और सब सिर्फ उसी की तरफ देख रहे थे। और गुस्से में जैसे ही वो बाहर आती है, जूही उसे रोकते हुए बोलती है कि जरूर तुम्हें कोई ना कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, जैसा तुम समझ रही हो वैसा कुछ भी नहीं है। लेकिन सोहा को तो जूही पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था, साथ ही बोलती है कि जो कुछ भी तुम कर रही हो ना साफ साफ दिखाई दे रहा है और ह्यूल को तुम उसे छीन नहीं सकती हो। डोशिम भी वहाँ पर आ जाता है और जूही की साइड लेकर सोहा को उससे माफी मांगने के लिए बोलता है, लेकिन सोहा तो उसकी बात नहीं सुनती और ज्यादा गुस्सा होने लग जाती है। जहाँ पर ह्यूल पहुँच जाता है और सोहा का इतना अजीब बिहेवियर देखकर वो उससे कहता है कि आखिरकार तुम्हें हुआ क्या है, तुम ठीक तो हो ना। लेकिन सोहा को तो ह्यूल के ऊपर भी गुस्सा था, वहाँ से ये बोलकर जाने लग जाती है कि तुमने कहा था कि मुझे तुम्हारा वेट करना है जब तक तुम्हारा प्रॉमिस पूरा नहीं हो जाता, तो फिर ये सब कुछ क्या चल रहा है। और वहाँ से गुस्से में चली जाती है। जो कुछ भी आज हुआ था उन सब के लिए जूही ने डोशिम को सॉरी बोला और वो भी हवेली के अंदर चली जाती है। ह्यूल भी उसके पीछे जा रहा होता है, लेकिन डोशिम उसे रोककर बोलता है कि जूही से दूर रहो, जो भी तुम्हारे प्लान्स है उसमें तुम्हें जूही को शामिल करने की जरूरत नहीं है। और फिर ह्यूल भी जैसे ही अंदर जाता है, जूही को सॉरी बोलता है जो कुछ भी आज हुआ था। जूही उसे बोलती है कि सॉरी तुम्हें मुझे नहीं बल्कि सोहा को बोलना चाहिए, क्योंकि उसने ही मुझसे हेल्प मांगी थी ताकि वो तुम्हारे नजदीक आ सके और तुम्हें और अच्छे से जान सकी। ह्यूल बोलता है कि हाँ तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, लेकिन जब भी मैं तुम्हारे साथ होता हूँ और अभी भी जब मैंने तुम्हारे साथ डांस किया तो मुझे बहुत अच्छा फील हुआ था, ये फीलिंग मैंने कभी फील ही नहीं की थी। ह्यूल जाकर बेसमेंट में जूही के बारे में ही सोच रहा होता है, जहाँ मिस्टर कैट उसे मिलने के लिए आते हैं और उसे सिर्फ और सिर्फ अपने गोल पर ही फोकस करने के लिए बोलते हैं। ह्यूल भी बोलता है कि मैं बस यही चाहता हूँ कि जूही जहाँ भी रहे हमेशा खुश रहे, और जब भी मैं उसके आसपास उसके साथ होता हूँ तो मुझे बहुत ही अजीब सी फीलिंग होती है, काफी अच्छा महसूस होता है। साथ ही वहाँ पर ये जाने के बाद कि जिस तीर से बहुत सारे वैम्पायर के साथ साथ नाही को उस सैनिक ने मारा था, उस तीर को बनाने का तरीका मिस्टर कैट ने ही उस सोल्जर को बताया था। ह्यूल तो बहुत ज्यादा गुस्सा होने लग जाता है और साथ ही उन्हें बहुत भला बुरा भी बोल रहा था। यही वो मेन कारण था कि मिस्टर कैट ने अभी तक ह्यूल की इतनी सारी हेल्प की थी और साथ ही उसे इंसान बनने का तरीका भी बताया था ताकि वो अपने गिल्ट को कम कर सके। मिस्टर कैट बहुत ज्यादा सैड था और ह्यूल को नाही से दूर करने के लिए उसे बार बार सॉरी बोल रहा था। वहीं जब डोशिम अपने सेक्रेटरी के साथ में होता है, ह्यूल और उसके वैम्पायर दोस्तों के बारे में सारी बातें कर रहा था, तो ली भी वहीं पर था और उसने उन्हें देख लिया था, उनकी सारी बातें भी सुन ली थी, जिसके बाद वो सोहा से मिलकर उसे समझा रहा होता है कि हमें जिसे प्यार होता है हमें उसे थोड़ा पर्सनल स्पेस देकर उसे फ्री छोड़ देना चाहिए। जो कुछ भी तुमने कल रात पार्टी में किया था वो बिल्कुल भी ठीक नहीं था। लेकिन सोहा तो और उल्टा उसे ही समझाने लग जाती है कि अगर तुम्हारा यही बिहेवियर रहा तो बहुत जल्द जूही तुमसे दूर हो जाएगी और ह्यूल की हो जाएगी। डोशिम फिर जूही को मिलने के लिए बुलाता है और उसे ह्यूल की वीडियो दिखाते हुए बोलता है कि मुझे तो नहीं लगता कि ये कोई नॉर्मल इंसान है। जूही भी थोड़ा शॉक हो जाती है और डोशिम को समझाते हुए कहती है कि इस बात को हमें राज ही रखना होगा और जैसा तुम ह्यूल के बारे में सोच रहे हो ना वो बिल्कुल भी डेंजर नहीं है। डोशिम तो काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और बोलता है कि इसका मतलब तुम्हें सब कुछ पहले से ही जानती थी और जितना तुम ह्यूल के बारे में सोचती हो काश उतना तुमने मेरे बारे में भी सोचा होता, क्योंकि मुझे तो हमेशा तुम्हारी ही चिंता लगी रहती है। वही ह्यूल नाही का स्केच बेसमेंट में ढूंढ रहा होता है, जो कि उसे मिलता ही नहीं है, जिससे वो काफी ज्यादा परेशान हो जाता है। जूही भी उसी टाइम पर वहीं पर पहुंच जाती है, लेकिन उसे भी इस बारे में कुछ भी मालूम नहीं था।
वही सोहल ली से ह्योल के बारे में जानकारी निकाल रही होती है, लेकिन वो उसे वहाँ से ये बोलकर जाने लग जाता है कि जब तक तुम मुझे और पैसे नहीं दोगी, मैं सिर्फ तुम्हें यही बता सकता हूँ कि वो लड़की जो स्केच में है ना, वो ह्योल का पहला प्यार है जिसके लिए वो इंसान बनना चाहता है। जैसे ही ली वहाँ से जाता है तो सोहा तो सोच में ही पड़ जाती है, इसका मतलब ह्योल इंसान नहीं है क्या। सोहा तो बहुत ज्यादा टेंशन में आ जाती है, ड्रिंक पे ड्रिंक लिए जा रही थी, साथ ही ह्योल को फोन करके उसे काफी उल्टा सीधा भी बोल रही थी। ह्योल समझ जाता है कि उसने ड्रिंक की है, इसलिए वो बार में उसे लेने के लिए पहुंच जाता है। उसे देखते ही सोहा तो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और उसे बोलती है कि मुझे तुम्हारा और कितना ज्यादा इंतजार करना होगा। ह्योल फिर उसे घर ले जाता है, उसका ध्यान रख रहा होता है और उसे वहीं पर सुला देता है। और यहाँ जूही को ह्योल की बहुत ज्यादा चिंता होने लग जाती है, वो उसे फोन भी लगाती है लेकिन वो तो फोन उठा ही नहीं रहा था। मॉर्निंग में सोहा ह्योल को ना ही फोटो दिखाते हुए बोलती है कि मुझे सारी सच्चाई मालूम चल चुकी है कि फोटो में जो लड़की है वो मैं ही हूँ ना, और मैं ही तुम्हारा पहला प्यार हूँ। साथ ही अगर तुम मेरा इतने सालों से वेट कर रहे हो ना, तो इसका मतलब तो यही हुआ कि तुम इंसान नहीं हो। सबसे पहले तो तुम्हें इस हवेली को छोड़कर जूही से दूर होकर मेरे पास आ जाना चाहिए। ह्योल के ये बोलते ही कि वो हवेली नहीं छोड़ सकता क्योंकि वहाँ पर उसकी नाई के साथ में बहुत सारी मेमोरीज हैं। सोहा बोलती है कि तो ठीक है, हम वहाँ से जूही को ही बाहर निकाल देंगे और हम दोनों साथ में रहेंगे वहाँ पे। सोहा की ये सारी बातें और उसकी ये हरकतें ह्योल को बहुत ही ज्यादा अजीब लगने लग जाती हैं। वो उसे बोलता है कि जिसने मुझे प्यार का असली मतलब समझाया है, जरूरी नहीं है कि वो नाही की तरह ही दिखती हो। बाहर आने के बाद ह्योल नाही और सोहा के बारे में सोच रहा होता है कि वो दोनों तो एक दूसरे से कितनी ज्यादा अलग हैं। ह्योल बहुत ज्यादा सैड होता है, जहाँ पर फिर अचानक से जूही भी पहुंच जाती है और बहुत ज्यादा रोते हुए उससे बोलती है कि मैं तुम्हें बहुत ज्यादा ढूंढ रही थी और मुझे तुम्हारी काफी ज्यादा चिंता भी हो रही थी, तुमने मेरा फोन भी नहीं उठाया। जूही को अपने लिए इतनी सारी चिंता देखकर ह्योल तो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है जैसे ही वो उसके पास आता है, लेकिन वो बेहोश हो जाता है। चंगू मंगू भी वहीं पर आसपास घूम रहे होते हैं, जो कि ह्योल को इस हालत में देखकर फिर वो लोग उसे घर लेकर जाकर उसे ब्लड पिलाते हैं जिससे कि उसकी वीकनेस दूर हो जाए। जैसे ही ह्योल को होश आता है, जूही को अपने सामने देखता है जिसको उसे बहुत ज्यादा चिंता हो रही थी। साथ ही जूही उसे बोलती है कि मैं जानती हूँ कि तुम सोहा को चाहते हो, लेकिन फिर भी मेरे दिल में तुम्हारे लिए फीलिंग्स है और मुझे तुम्हारी बहुत चिंता होती है। ये सब को सुनकर ह्योल अपने आप को रोक नहीं पाता और फटाक से जूही को किस कर लेता है। बोलता है कि फिक्र मत करो, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा, हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा और आज मेरा दिल बहुत जोरों से धड़क रहा है। वही डॉशी वैम्पायर ली के बारे में सोच रहा था, जो कि उसे एक रात पहले मिलने के लिए आया था, जिसने उसे कहा था कि वो हाफ ह्यूमन को ढूंढने में डॉशिम की हेल्प करना चाहता है क्योंकि ली खुद भी एक वैम्पायर है, लेकिन उसके लिए उसे बहुत सारे पैसे चाहिए। नेक्स्ट मॉर्निंग जो ही बहुत ज्यादा सज धज कर बाहर आती है, जिसे देख कर ह्योल भी उसे बोलता है कि तुम आज काफी ज्यादा सुंदर लग रही हो। जूही तो शर्माने ही लग जाती है, लेकिन जैसे ही उसे होश आता है वो बोलती है कि सोहा से तुम कल मिलने गए थे, तुम लोग के बीच में क्या बातें हुई। जहाँ फिर ह्योल उसे सोहा के साथ में हुई सारी बातें बताते हुए बोलता है कि नाही और सोहा का नेचर तो बिल्कुल भी मैच नहीं होता है और मुझे नहीं लगता कि वही मेरी नाही है, लेकिन जब भी तुम मेरे पास होती हो ना, तो मुझे काफी ज्यादा अच्छा फील होता है। हाथ में हाथ डालकर दोनों बैठे हुए थे और एक दूसरे को प्यार से देख रहे थे, दोनों में बस किस होने वाली थी, लेकिन बीच में चंगू मंगू कबाब में हड्डी बनकर पहुंच जाते हैं। ह्योल से लिपटते हुए वो काफी ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं क्योंकि वो कल बेहोश शो हो गया था। दोनों के दोनों जूही से वहीं पर रहने के लिए रिक्वेस्ट करने लग जाते हैं ताकि वो ह्योल का अच्छे से ध्यान रख सके। जूही बेचारी किस्मत की मारी अपने मन में यही सोच रही होती है कि अब मेरा क्या होगा, यहाँ पर तो इंसानों से ज्यादा वैम्पायर रहने के लिए आ चुके हैं। जूही मान नहीं रही होती है, इसलिए फिर चंगू मंगू के सामने रोने की एक्टिंग करने लग जाते हैं, जिसे कि ना चाहते हुए भी फिर उसे मानना पड़ता है। लेकिन उसकी ये शर्त होती है कि जब तक वो वहाँ पर रहेंगे तो वो लोग उसे उसका रेंट देंगे। नेक्स्ट सीन में चंगू मंगू ये जानकर बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं कि जूही को प्यार हो चुका है, यानी कि अब ह्योल को लव वाला ब्लड मिल जाएगा। लेकिन ये जानते ही कि जूही को किसी और से नहीं बल्कि उसके वैम्पायर दोस्त यानी कि ह्योल से ही प्यार हुआ है, वो दोनों तो सैड हो जाते हैं कि अब क्या होगा आगे। वही हम फिर एक आदमी को देखते हैं ये जो कि छुप छुप कर जूही की गेस्ट हाउस की एक गेस्ट को जॉगिंग करते हुए घूर रहा था। यहाँ डॉशिम और सोहा साथ में होते हैं, जहाँ सोहा के बार बार पूछने पर डॉशिम फाइनली उसे बता ही देता है कि ह्योल एक वैम्पायर है। यहाँ घर में टेलर शॉप वाला टेलर अपने छोटे से बच्चे को जूही के पास ये छोड़कर जाने लग जाता है कि उसे आज एक फ्यूनरल में जाना है, तो आज वो उसके बच्चे को संभाल ले। वही चंगू मंगू और ह्योल की दोस्त रोज ली को एक बहुत ही सुनसान इलाके में एक घर से बाहर निकलते हुए देखती है।
नेक्स्ट सीन में चंगो मंगो और हियोल उस छोटे से बच्चे को एंटरटेन करने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन वो तो पार्क जाने की जिद करने लग जाता है और ना चाहते हुए भी हियोल और जोही को चंगो मंगो के जबरदस्ती बोलने पर उस बच्चे को पार्क में लेकर जाना पड़ जाता है और वो तो उसे एक डेट की तरह ही ले रहे थे। राइड पर जाने से पहले जोही ये पूछते है कि तुम्हें डर तो नहीं लग रहा ना। हियोल तो बड़ी ही शान और शौकत से बोलता है कि मैं एक वैम्पायर हूँ और इसमें डरने वाली क्या बात है, लेकिन झूले पे जाते ही उसकी तो हवा टाइट हो जाती है। जिसके बाद वो लोग एक हॉन्टेड हाउस में जाते हैं और वहाँ जाने से पहले भी हियोल बहुत ही स्टाइल मारकर बोल रहा होता है कि भूत तो मेरे दोस्त हैं, कॉफिन में भी वो मुझे बहुत बार डराने के लिए आते थे लेकिन मुझे बिल्कुल भी डर नहीं लगता था, लेकिन हॉन्टेड हाउस के अंदर जब भूत लेफ्ट राइट और ऊपर नीचे से निकल निकल कर आ रहे होते हैं, बेचारे अपने वैम्पायर की तो हवा ही टाइट हो जाती है और उसे देख कर जूही तो बस हंसती ही जा रही थी। यहाँ डोशिम अपने सेक्रेटरी को हियोल के दोस्त यानी कि चंगो मंगो के ऊपर नजर रखने के लिए बोलता है, जो कि अब हवेली में ही शिफ्ट हो गए थे क्योंकि उसे जूही की सेफ्टी की बहुत ज्यादा चिंता हो रही थी। जहाँ पर अचानक से ली पहुँचाता है और उसे हियोल के बारे में बताते हुए कहता है कि वो बहुत सालों से इंसान बनने की कोशिश में लगा हुआ है क्योंकि उसे अपनी हार्ट बीट को एक्सपीरियंस करना है। डोशिम को तो यहाँ पर कुछ समझ नहीं आता और साथ ही बोलता है कि मुझे प्रूफ चाहिए और अगर सच में हियोल हाफ ह्यूमन और हाफ एम्पायर है तो फिर मुझे उसकी बॉडी का वो निशान देखना है। वहीं हियोल और जूही साथ में होते हैं जहाँ जूही उससे बोलती है कि अब तो वैसे भी मुझे तुमसे प्यार हो गया है, जिसका साफ मतलब ये है कि तुम मेरा लव वाला ब्लड ले सकते हो जिससे कि तुम पूरी तरह से इंसान बन जाओगी और उस दिन हम तुम्हारी बर्थडे पार्टी भी रखेंगे जो कि इंसान के रूप में तुम्हारा नया जन्म होगा। नेक्स्ट सीन में हम एक सुनसान घर में ली को देखते हैं जिसमें बहुत सारी जेल बनी थी। वहाँ पर वो एक आदमी को लेकर आता है, उसने बहुत सारे लोगों को बंद करके रखा हुआ था क्योंकि वो उनका खून पीता था। साथ ही वहाँ पर एक जेल में जूही के डैड भी बंद थे यानी कि वो भी अभी जिंदा ही थे। जूही और हियोल साथ में रोमांस कर रहे होते हैं, काफी खुश होते हैं, जहाँ पर अचानक से सुहा पहुँच आती है और जूही को साइड में लेकर जाती है। साथ ही उसे बोलती है, मुझे पता चल चुका है कि हियोल एक वैम्पायर है और मैं उसका पहला प्यार यानी कि नाही हूँ। तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा कि तुम हियोल से दूर रहो और उसे छोड़ दो। लेकिन जूही बोलती है कि मैं सिर्फ और सिर्फ अपनी दिल की सुनना चाहती हूँ जो कि हियोल से दूर नहीं जाना चाहता और उसके पास में रहना चाहता है। सुहा को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, वहाँ से ये बोलकर जाने लग जाती है कि ठीक है अब तुम देखना कि आगे क्या होता है, और वहाँ से वो सीधा डोशिम के पास में पहुँच जाती है और गुस्से में उसे बोलती है कि उस हवेली में इन्वेस्ट मैंने किया है और मैं वहाँ पर उन दोनों को रोमांस करते हुए नहीं देख सकती। भले ही तुम अपने प्यार जूही को भूल जाओ लेकिन मैं अपने प्यार हियोल को नहीं भूल सकती, और अगर तुम सच में जूही को पाना चाहते हो ना तो मेरा साथ दो। यहाँ रोज ने भी चंगो मंगो को आकर ली के बारे में बता दिया था कि उसने उसे घर के बाहर देखा था। नेक्स्ट सीन में हियोल मिस्टर कैट के साथ में होता है, साथ ही उसने मिस्टर कैट को उनकी गलती के लिए भी माफ कर दिया था। हियोल बहुत ज्यादा खुश था क्योंकि वो अब जूही का लव ब्लड पीकर पूरी तरह से इंसान बन सकता था और साथ ही जूही के साथ में आराम से खुशी खुशी रह सकता था। लेकिन मिस्टर कैट के ये बोलते ही कि नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, बल्कि तुम्हें तो जूही को सेक्रीफाइस ही देना होगा, हियोल तो बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है क्योंकि जो भी इंसान कॉफिन खोलता है या तो वो जिंदा रह सकता है या फिर कॉफिन में 100 साल से बंद वो वैम्पायर। ली ने भी उनकी सारी बातें सुन ली थी जिसने ये सब कुछ जाकर डोशिम को बता दिया था। हियोल बहुत ज्यादा सैड था क्योंकि मिस्टर कैट ने उसे कहा था कि उसे जूही के खून की एक एक बूंद पीनी होगी जब तक वो मर नहीं जाती। डोशिम भी वहाँ पर अचानक से पहुँच जाता है और जोरदार पंच वो हियोल को मारता है और उसे बोलता है कि जूही से दूर रहो और उसे छोड़ दो। वही हवेली के गेस्ट हाउस की एक गेस्ट को उसका एक्स बॉयफ्रेंड जबरदस्ती वहां से खींच कर लेकर जा रहा होता है, जहां पर जूही उसे रोकने की कोशिश कर रही होती है और यहां बाहर हियोल और डोशिम के बीच जबरदस्त लड़ाई हो रही होती है, जहां डोशिम उसे बोलता है कि मैं जानता हूं कि तुम एक वैम्पायर हो और क्या इंसान बनने के चक्कर में तुम जूही को मार डालोगे, तुम्हारे जैसा मॉन्स्टर तो कभी समझ नहीं सकता कि प्यार होता क्या है। यहाँ अंदर जूही उस आदमी को रोक रही होती है जो कि उसे जोरदार धक्का मारता है जिससे कि उसे चोट लग जाती है। जूही के चोट लगते ही हियोल का नेक बाइट भी एक्टिव हो जाता है, वो फटाक से भागता हुआ अपना वैम्पायर स्पीड में जूही को बचाने के लिए पहुंच जाता है। जैसे ही वो देखता है कि जूही के सर पे चोट लगी है और उससे ब्लीडिंग हो रही है, उससे रहा नहीं जाता और उसकी आंखें एकदम वैम्पायर की तरह लाल हो जाती हैं। वो बस उसका खून पीने ही वाला होता है लेकिन डोशिम आके धक्का मार के उसे गिरा देता है। जूही को वहां से उठाकर सीधा हॉस्पिटल ले जाता है, लेकिन जूही तो बेहोशी की हालत में भी हियोल का नाम ही पुकार रही होती है। ये सब कुछ सोच सोच कर
टॉशन तो बहुत ज्यादा शौक हुए जा रहा था और उसने हियोल के नेक पर वो मार्क भी देख लिया था, जिससे कि उसे यकीन हो गया था कि हियोल ही वो आधा वैम्पायर और आधा इंसान है जिसका खून उसे पीना है, जिससे कि इसकी बरसों की चली आ रही दिल की बीमारी ठीक हो सकती है। वही बेचारा अपने वैम्पायर भी बहुत दुखी होकर बैठा हुआ होता है, क्योंकि उसने कभी सोचा ही नहीं था कि जूही को इस तरह से कभी नुकसान भी पहुंचा सकता है। उसे काफी ज्यादा गिल्टी फील हो रहा था। हॉस्पिटल में जैसे ही जूही को होश आता है तो सबसे पहले वो डॉशिम से हियोल के बारे में पूछती है, लेकिन डॉशिम फिर से उसे समझाते हुए कहता है कि तुम तो सोच भी नहीं सकती हो कि उसने तुम्हारे साथ क्या किया है, उसने तुम्हारा खून पीने की कोशिश की है। लेकिन जूही को तो डॉशिम की बातों पर यकीन ही नहीं हो रहा था और बोलती है हियोल मेरे साथ कभी ऐसा कुछ कर ही नहीं सकता, वैसे भी हम बहुत टाइम से साथ रह रहे हैं और अगर उसे मुझे मारना ही होता तो वो मुझे बहुत पहले मार चुका होता। लेकिन डॉशिम फिर से उसे समझाते हुए कहता है कि मैंने अपनी आंखों से देखा है और ऐसा ही हुआ था, वो बहुत ही ज्यादा डेंजरस है और मैं तुम्हें वापस से मेंशन नहीं जाने दूंगा। हियोल बेचारा गम का मारा जूही के घर आने का वेट कर रहा होता है, लेकिन जूही तो आती ही नहीं है, तो वो उसे फोन लगाने लग जाता है और वहीं हॉस्पिटल में जूही सो रही होती है, जिसका फोन आकर डॉशिम उठा लेता है। बोलता है कि तुम एक बहुत खतरनाक मॉन्स्टर हो और मैं जूही को तुम्हारे साथ रहने नहीं दे सकता, मैंने तुम्हारा असली रूप देख लिया है और उससे दूर रहो। साथ ही कॉल लिस्ट से हियोल का नंबर भी हटा देता है। और वही हियोल भी मिस्टर कैट की बातें सोच रहा होता है, जिसने कहा था कि जूही और हियोल में से सिर्फ एक की जान ही बच सकती है और अगर उसे पूरा इंसान बनना है तो उसके लिए उसे जूही का सारा खून पीना होगा। जब तक वो मर नहीं जाती वो जूही को नहीं मार सकता, क्योंकि आखिरकार वो उसका प्यार जो ठहरा और इसलिए वो खुद को मारने का फैसला करता है। नेक्स्ट मॉर्निंग जूही फटाफट से रेडी होकर वापस से मेंशन के लिए जा रही थी, जहां पर डॉशिम आता है। वो उसे उसका ध्यान रखने के लिए थैंक यू बोलती है। डॉशिम उसे जाने के लिए रोकता है, लेकिन वो फिर उसे समझाते हुए कहती है कि मैं हियोल के बिना नहीं रह सकती। तो डॉशिम उसे कहता है कि मुझे लगता है कि तुम्हें उससे प्यार हो गया है, लेकिन वो तुमसे प्यार नहीं करता बल्कि तुम्हारा यूज कर रहा है। उसे सिर्फ और सिर्फ इंसान बनने के लिए तुम्हारा खून चाहिए और ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा कि तुम सोच रही हो, उसे तुमसे प्यार नहीं है। लेकिन फिर भी जूही उसकी बात नहीं सुनती और मेंशन जाने का फैसला करती है। यहाँ हियोल से मिलने के लिए सोहा पहुंची हुई होती है, जो कि उसे नाही की फोटो देते हुए बोलती है कि आखिरकार तुम्हारा प्यार जब मैं हूँ तो तुम जूही को कैसे चूज कर सकते हो। हियोल उसे सॉरी बोलते हुए कहता है ये मुझे थोड़ी गलतफहमी हो गई थी, जरूरी नहीं है कि अगर तुम नाही जैसी दिखती हो तो तुम सच में नाही ही हो। नेक्स्ट सीन में हियोल जूही के बारे में सोच रहा होता है कि अब वो उसे और नुकसान नहीं पहुंचा सकता, इसलिए वो यहाँ से चला जाएगा, जहाँ पर उसे भागते हुए जूही आते हुए दिखाई देती है और आकर सीधा उसके गले से लग जाती है और बहुत ही प्यार से उसे देखने लगती है। हियोल जाकर सीधा चंगू मंगू से मिलता है और बोलता है कि वो जूही को यहाँ पर छोड़कर अकेला नहीं जा सकता और इसलिए उसे हर हाल में सबसे पहले उसके फादर को ढूंढना होगा। चंगू मंगू के ये पूछते है कि अब तो उसके ब्लड में प्यार भर गया है और तुम्हें लव ब्लड मिलने ही वाला है, जिससे कि तुम पूरी तरह से इंसान बन सकते हो, तो तुम ये सब कुछ छोड़कर क्यों जाना चाहते हो। योर उन्हें सच्चाई तो नहीं बताता, साथ ही बोलता है कि इसके पीछे एक बहुत ही बड़ी वजह है जो मैं बाद में तुम दोनों को समझा दूंगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों आपको 1000 लाइक्स का टारगेट पूरा करना है, तो इसलिए फटाक से लाइक कर दो अगर अभी तक नहीं किया है तो। रात के टाइम में हियोल को दुखी पाकर जूही उसके पास जाती है, सैड होने का उससे रीजन पूछती है, तो वो बोलता है कि मैं तो प्यार करने के लायक ही नहीं हूँ, क्योंकि जब तुम्हारे सर पे चोट लगी थी और तुम्हारा खून देखकर मुझे उसे पीने का मन हो रहा था, जिसका मुझे बहुत ज्यादा गिल्ट है। लेकिन जूही फिर उसे समझाते हुए कहती है कि जो भी हुआ उसे भूल जाओ और मायने ये रखता है कि अभी हम दोनों साथ में हैं। वहीं दूसरी तरफ वैम्पायर ली डॉशिन से मिलने के लिए पहुंचा हुआ होता है, जो कि उससे अपनी इन्फॉर्मेशन देने के बदले उसके पैसे मांग रहा था। लेकिन डॉशिन उसके साथ ये डील करने लग जाता है कि अगर वो हियोल को उसके लिए जिंदा पकड़ कर लेकर आएगा तो वो उसको बहुत सारा पैसा देगा, क्योंकि जैसा कि हम जानते ही है कि डॉशिन हियोल का खून पीना चाहता था और अपनी दिल की बीमारी को ठीक करना चाहता था। यहाँ हियोल चंगू मंगू के साथ में मिलकर जूही के फादर को ढूंढने में लगा हुआ था। नेक्स्ट सीन में सोहा जूही से मिलने के लिए पहुंच जाती है, जो कि उस मेंशन में इन्वेस्टमेंट के सारे पैसे उसे वापस मांग रही होती है। साथ ही बोलती है कि तुमने ये कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा है, जबकि बात तुम पहले से ही जानती थी कि हियोल एक वैम्पायर है। मैंने अपना पैसा इंसानों के लिए इस गेस्ट हाउस में लगाया था, वैम्पायर्स के लिए नहीं। साथ ही अगर तुम सारा पैसा नहीं लौटा पाओगी तो ये मेंशन छोड़ के जा सकती हो। जूही उसे बोलती है कि हियोल के लिए मेंशन बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है और मैं इसे ऐसे छोड़ नहीं सकती और तुम्हारा पैसा मैं लौटा दूंगी। सोहा को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है हियोल का नाम सुनते ही, वो उसे मारने वाली होती है, लेकिन जूही इसका हाथ पकड़ लेती है और बोलती है कि अपने प्यार के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। सोहा फिर वहाँ से उसे एक हफ्ते का टाइम देकर चली जाती है।
जैसे ही ये बात ह्योल को मालूम होती है, वो फटाक से जोई से मिलने के लिए आता है और इसे सुहा के बारे में पूछता है, जहाँ वो सारी बातों को छुपाते हुए कहती है कि वो तो बस उससे ऐसे ही मिलने के लिए आई थी, उसका हाल चाल पूछने के लिए। जहाँ पर फिर ह्योल के ये पूछते है कि अगर तुम्हें तुम्हारे डैड वापस से मिल जाते हैं तो तुम्हारा रिएक्शन कैसा होगा। जूही बोलती है कि ऐसा होना तो बहुत मुश्किल है क्योंकि काफी वक्त बीत चुका है और वैसे भी मुझे अब डैड की जरूरत नहीं है, मेरे लिए तो तुम ही काफी हो और बस तुम मुझे कभी छोड़कर मत जाना, हमेशा मेरे साथ रहना। यहाँ मिस्टर कैट चंगो मंगो से मिलने के लिए पहुंचे हुए थे, जो कि उन्हें ह्योल और जूही के बारे में सब कुछ बताने लग जाते हैं कि उन दोनों में से सिर्फ एक ही जिंदा रह सकता है और ह्योल यहाँ से बहुत ही जल्द जाने वाला है। वहीं ह्योल की हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी और उसके हाथों पे अजीब से निशान आने लग जाते हैं। जैसे ही चंगो मंगो वहाँ पर पहुँचते हैं, वो उन्हें देखते ही छुपा लेता है, लेकिन अब चंगो मंगो को सब कुछ मालूम पड़ चुका था। वो तो उसके ऊपर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो रही होती है, बोलते कि तुमने हमसे बात क्यों छुपाई है। ह्योल फिर उन्हें समझाते हुए कहता है कि जूही उसका प्यार है और वो उसे ऐसे मरने नहीं दे सकता है और इसीलिए वो ये सब कुछ कर रहा है। जहाँ पर चंगो मंगो भी काफी ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं और बोलते हैं कि तुम तो हमारे बारे में कभी सोचते ही नहीं हो, पहले तो तुम 100 सालों के लिए कॉफिन में सोने के लिए चले गए थे और अब तुम हमें हमेशा के लिए छोड़कर जा रहे हो, हम तुम्हारे बिना नहीं रह पाएंगे और हमें तुम्हारी जरूरत है। नेक्स्ट सीन में जूही बैंक से लोन लेने के लिए पहुंची हुई थी, लेकिन उसके ऊपर तो ऑलरेडी बहुत सारा लोन था, इसलिए वो बेचारी वहां से निराश ही होकर आने लग जाती है। रास्ते में फिर उसे चिकन शॉप वाली लेडी मिलती है, जिससे बातों ही बातों में उसे ये पता चल जाता है कि ये वो उसके फादर के बारे में पूछ रहा था और उन्हें ढूंढ भी रहा है। वहीं दूसरी तरफ वैम्पायर ली ने ह्योल को ये बोलकर एक जगह पर धोखे से बुला लिया था कि उसे जूही के फादर की कुछ इन्फॉर्मेशन मिली है और यहाँ जैसे ही जूही मेंशन में पहुँचती है, ह्योल को ढूंढती है जो कि उसे नहीं मिलता है और उसके हाथ में वो पैम्पलेट्स भी थे। जैसे ही ह्योल उस लोकेशन पे पहुंचता है, बहुत सारे लोगों को वहां पर अंदर देखता है, उसे काफी खून की स्मेल आ रही थी और धोखे से फिर उसे भी एक जेल के अंदर डाल दिया जाता है। लेकिन वैम्पायर ली को देखकर उसकी सारी कंफ्यूजन दूर हो जाती है, वो उसके ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा कर रहा होता है और ली भी उसका नाम लेकर उसे बोलता है कि तुम बहुत बड़े बेवकूफ हो क्योंकि ना तो तुम अभी वैम्पायर हो और ना ही तुम अभी इंसान हो, लेकिन गोई तो है जिसके लिए तुम्हारा खून बहुत ही ज्यादा कीमती है और वो तुम्हारा खून पीना चाहता है। और ये बोलते ही वो डॉशिम को कॉल लगाने लग जाता है और बोलता है कि उसने ह्योल को पकड़ लिया है। जूही के डैड भी वहीं पर उसी जेल में बंद थे, जो कि उनकी सारी बातें सुन लेते हैं और वो ह्योल को उसके नाम से पहचान लेते हैं। वहीं चंगो मंगो भी रोज के साथ में ह्योल को बचाने के लिए उसी लोकेशन पे पहुंच चुके थे। जैसे ही वैम्पायर ली बाहर जाता है, चंगो उसे जोरदार पंच मारता है, दोनों के बीच में घमासान फाइट होने लग जाती है, लेकिन ली इनसे बहुत ही ज्यादा ताकतवर होता है, इसलिए वो तो उसे गिरा गिरा कर मार रहा होता है। रोज भी उसे बचाने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन ली तो उसी का गला दबा कर उसे मारने लग जाता है, लेकिन मौका पाते ही मंगू वहाँ पर पहुंच जाता है और रोज को बचा लेता है और उसे ह्योल के पास जाने के लिए कहता है और चंगो मंगू दोनों मिलकर ली को बाहर ही रोक कर रखते हैं। ह्योल और उन सारे लोगों को अंदर जेल में देखकर रोज तो बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है और अपनी सुपर नेचुरल पावर से जेल का ताला खोल देती है और सबको बाहर निकाल देती है। ली ने यहाँ पर चंगो मंगो को बहुत बुरी तरह से मार रखा था क्योंकि वो लोग बहुत ज्यादा वीक हो चुके थे क्योंकि वो ह्यूमन ब्लड जो नहीं पीते थे। ह्योल और रोज भी वहाँ पर पहुंच जाते हैं और ह्योल को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है कि ली उसके दोस्तों को मार रहा है और इसलिए वो ली के ऊपर जोरदार पंच मारता है और उन दोनों के बीच में लगातार फाइट स्टार्ट हो जाती है, लेकिन ह्योल के ऊपर ली भारी पड़ रहा होता है, वो उसे मारने लग जाता है, बट चंगो मंगो और रोज आकर उसे बचा लेते हैं और ली वहां से डर कर ऐसे ही उड़कर चला जाता है और बोलता है कि मैं वापस जरूर आऊंगा। ह्योल की हालत अब और भी ज्यादा खराब होती जा रही थी, जहां पर अचानक से जूही के डैड पहुंच जाते हैं और उनकी जान बचाने के लिए ह्योल को थैंक यू बोलते हैं और साथ ही अपना नाम भी उसे बता रहे होते हैं। उनका नाम सुनते ही ह्योल तो काफी शौक हो जाता है और बोलता है कि आपकी बेटी आपको बहुत टाइम से ढूंढ रही है और वह काफी खुश भी हो जाता है। जैसे ही फिर डॉशिम उस लोकेशन पे पहुंचता है, वो तो देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि वहां पर तो कोई था ही नहीं और पूरा लोकेशन खाली था, बस उसे खून की स्मेल आ रही थी। यहाँ रोज और चंगो मंगो के साथ में मिलकर ह्योल जूही के डैड को वापस घर ले आता है, जो कि उन्हें देखकर बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है। डैड जूही और उसकी मॉम को बचपन में ही छोड़कर चले गए थे और इसके लिए वो उसे सॉरी भी बोलते हैं, उनको काफी ज्यादा गिल्ट हो रहा होता है, लेकिन जूही को उनके ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा था और साथ ही बोलते हैं कि भले ही आपने अपनी जिंदगी बहुत ही अच्छी तरह से बिताई हो, लेकिन मेरी लाइफ बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी और मैं आपको अब अपनी लाइफ में नहीं चाहती हूँ क्योंकि आप तो मेरे लिए पहले ही जा चुके हो। इससे पहले कि डैड उसे समझा दे कि वो उसे छोड़कर नहीं गए थे और सारी सच्चाई उसे बोल पाते, इससे पहले ही जूही गुस्सा होकर वहां से चली जाती है और जाकर ह्योल को डांटने लग जाती है कि जब मैंने तुमसे मना किया था तो तुम उन्हें ढूंढने के लिए क्यों गए हो।
योर फिर उसे समझाते हुए कहता है कि वो तुम्हारे डैड हैं जिन्होंने तुम्हें बहुत मिस भी किया होगा और इसलिए अब सब कुछ भूलकर तुम्हें उन्हें माफ कर देना चाहिए। लेकिन जूही तो उसे भी गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है ये बोलकर कि अब कुछ भी ठीक नहीं हो सकता। और अपने रूम में जाते ही वो अपने फादर की फोटो को देखकर काफी ज्यादा इमोशनल होने लग जाती है। डॉशिम यहाँ पर ली के ऊपर फोन भी काफी ज्यादा गुस्सा हो रहा होता है कि उसे हर हाल में ह्योल का ब्लड चाहिए और ली भी उससे ये वादा करने लग जाता है कि वो उसे जिंदा पकड़कर उसके पास जरूर लेकर जाएगा, बस उसे थोड़ा वक्त चाहिए। नेक्स्ट मॉर्निंग ह्योल को जूही के डैड से ये मालूम पड़ता है कि उन्होंने जूही और उसकी माँ को सिर्फ और सिर्फ इसलिए छोड़ा था क्योंकि उनकी एंसिस्टर ने उन्हें इस मेंशन की रखवाली करने का जिम्मा जो सौंपा था। लेकिन वैम्पायर ली बार बार आकर उसे धमकी देते हुए उसे इस मेंशन को बेचने के लिए कहता था, लेकिन मैं इसे बेचना नहीं चाहता था क्योंकि मैं इसे अपने एंसिस्टर की तरह ही अपनी बेटी को सौंपना चाहता था क्योंकि ये मेरी ब्लड लाइन से चलता आ रहा है, मैं तो सिर्फ अपना फर्ज निभाना चाहता था। लेकिन फिर एक दिन वैम्पायर ली ने मुझ पर हमला करके मुझे ले जाकर उस जेल में डाल दिया क्योंकि वो हर हाल में उस मेंशन को पाना जो चाहता था। जेल में मेरा वक्त बहुत ही बुरा बीता था और मैं हर वक्त बस अपनी बेटी से किए हुए उस वादे को ही याद करता रहता था कि मुझे अपनी बेटी से वापस मिलने जाना है। लेकिन मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि मेरे साथ में ये सब कुछ हो जाएगा। ये सब बोलकर जूही का डैड बहुत ज्यादा इमोशनल हो रहा होता है, काफी रो रहा होता है। जूही ने भी उनकी सारी बातें वहीं पर खड़ी होकर सुन ली थी और वो भी फूट फूट कर रोने लग जाती है। वहीं डॉशिम को वैम्पायर ली की बातें और उसका बिहेवियर बहुत ही ज्यादा अजीब लग रहा था और वो सोच रहा था कि दाल में कुछ तो काला है। नेक्स्ट सीन में ह्योल जूही के डैड का हेयर कट करवा कर हवेली में ले आता है। जूही तो उन्हें देखती ही रह जाती है और बिना कुछ बोले वहाँ से चली जाती है। डैड फिर जाकर उससे बात करते हैं, जो कुछ भी उन्होंने अभी तक किया उन सबके लिए उसे माफी मांगते हैं। जूही भी फुट फुट कर रोने लग जाती है और बोलती है कि मैंने आपको बहुत मिस किया क्योंकि अब उसे सारी सच्चाई पता जो चल गई थी। वहीं दूसरी तरफ ये जानने के बाद कि सोहन जूही से मेंशन में लगाए हुए इन्वेस्टमेंट के सारे पैसे वापस मांग रही है, वो तो उसे समझाने लग जाता है और बोलता है कि जूही को परेशान करना छोड़ दो। लेकिन वो भी उसे बोलती है कि मैं तो अपना मेंशन हर हाल में लेकर रहूंगी अगर उसने पैसे नहीं चुकाए तो, और मैं अपने फैसले से पीछे नहीं हटने वाली हूँ। नेक्स्ट सीन में जूही ह्योल से मिलने के लिए पहुंच जाती है, जो कि अपने ही सजाए हुए उसी ट्री को देख रहा होता है जो उसने जूही के लिए सजाया था। जूही उसे आगे पीछे से हग करते हुए उसे सब कुछ करने के लिए थैंक यू बोलती है और साथ ही उसे सॉरी भी मांगती है कि उसके चक्कर में वो पूरा इंसान नहीं बन पाया क्योंकि उसने कॉफिन जो खोल दिया था। ह्योल भी फिर मुस्कुराते हुए बोलता है कि फिक्र वाली बात नहीं है क्योंकि मैं बहुत ज्यादा हैंडसम और दयालु हूँ और मैंने तुम्हें माफ किया। जूही भी फिर सुनते ही हंसने लग जाती है और साथ ही वो उसे बोलती है कि अब तो सब कुछ ठीक हो चुका है और अब तुम्हें मेरा खून पीकर पूरा इंसान बन जाना चाहिए। जहाँ फिर ह्योल उसे बहाना मारती है और सच छुपाते हुए कहता है कि अगर मैं वैम्पायर नहीं रहा तो जब भी तुम किसी प्रॉब्लम में होगी तो मैं तुम्हारी हेल्प करने के लिए पहुँच नहीं पाऊंगा क्योंकि एक इंसान बनने के बाद तो तुम्हारा ये काटा हुआ निशान भी तो गायब हो जाएगा ना। और ये सुनते ही जूही तो हंसने लग जाती है। रात के टाइम पर जूही अपने डैड के साथ में डिनर पर होती है, जहां बातों ही बातों में डैड को मालूम चल जाता है कि जूही ह्योल को लाइक करती है। जूही के लिए तो वो बहुत ज्यादा खुश होते हैं, लेकिन उनको सिर्फ इसी बात की चिंता थी कि ह्योल एक वैम्पायर है और आगे पता नहीं अब क्या होने वाला था। यहाँ पर डॉशिन और वैम्पायर ली के बीच में बहस चल रही होती है क्योंकि वैम्पायर ली डॉशिन से ह्योल के खून लेने का रीजन पूछ रहा था क्योंकि उसे तो यही लग रहा था कि खून मिलने के बाद डॉशिन वैम्पायर ली को भी मार देगा, उसे उसके ऊपर भरोसा नहीं था। लेकिन डॉशिन रीजन बताने के लिए तैयार नहीं था और इसलिए वैम्पायर ली गुस्सा होकर वहाँ से ये बोलकर जाने लग जाता है कि मैं तुम्हारे लिए ह्योल को नहीं पकड़ूंगा। नेक्स्ट सीन में जूही के पास मेंशन खाली करने के लिए कोर्ट से नोटिस आया हुआ होते हैं जिसे वो बाकी सबसे छुपा रही होती है। चंगू मंगू ह्योल के साथ में वहीं पर होते हैं और सबको इस बारे में सब कुछ मालूम पड़ जाता है। सच आने के बाद ह्योल सीधा सोहा से मिलने के लिए पहुंचता है और उसे ये रिक्वेस्ट करने लगता है कि जूही को वो वहां से ना निकाले क्योंकि वो चाहता है कि जूही अपने फादर के साथ खुशी खुशी से उसी मेंशन में रहे। लेकिन सोहा तो उसकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं थी, बल्कि वो तो मेंशन के साथ साथ ह्योल को भी पाना चाहती थी। वहीं जूही को फिर ये मालूम चल जाता है कि डॉशिम ने सोहा को इन्वेस्टमेंट का सारा पैसा लौटा दिया है, वो उससे मिलने के लिए चाहती है। जहां डॉशिम उसे बोलता है कि इन सारे चक्कर में तुम सिर्फ सिर्फ मेरी वजह से ही फंसी हो क्योंकि गेस्ट हाउस का आइडिया तुम्हें मैंने ही तो दिया था और अब मैं तुम्हें और प्रॉब्लम्स में नहीं डाल सकता।
और जैसे ही ये इन्वेस्टमेंट वाली बात सुहा को मालूम पड़ती है, वो तो डॉशम से लड़ने ही पहुंच जाती है, जहां डॉशम भी उसके ऊपर गुस्सा होते हुए बोलता है कि मैं जूही को परेशान होते हुए नहीं देख सकता और तुम भी उससे दूर रहना। लेकिन सुहा को भी उसके ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था और वहां से ये बोलते हुए जाने लग जाती है कि अब तुम मेरे नेक्स्ट मूव का वेट करो। वहीं दूसरी तरफ देखते ही देखते ह्योल की हालत भी बहुत ज्यादा खराब होने लग जाती है। जूही उसके पास आकर उसको संभालती है और उसके हाथों पे वो निशान भी देख लेती है। ह्योल बहुत ज्यादा वीक हो चुका था और वहीं पर बेहोश हो जाता है, जिसके बाद जूही के साथ साथ चंगू मंगू भी वहां पर बैठे हुए होते हैं। लेकिन जूही को तो यही लग रहा था कि शायद अब वक्त आ चुका है और अब उसे अपना खून ह्योल को हर हाल में देना ही होगा, वरना वो और भी ज्यादा वीक हो जाएगा। लेकिन सच तो उसे पता नहीं था, और तो और चंगू मंगू भी उसे कुछ नहीं बताते क्योंकि ह्योल ने उन्हें मना किया था। नेक्स्ट सीन में डॉशम का सेक्रेटरी उसे एक स्पेशल नाइफ लाकर देता है, जो कि उसने बनवाने के लिए दिया था, जो कि एक वैम्पायर हंटर नाइफ है और ये उसी चीज से बनाया गया था जिससे पहले ह्योल के सारे वैम्पायर साथी और नाही को मारा गया था। वहीं जैसे ही ह्योल को हो जाता है, वो तो हवेली से ही जाने लग जाता है क्योंकि वो जानता था कि जूही ने उसके सारे निशान देख लिए और अब वो उससे अपना खून पिला कर ही रहेगी। जूही भी ह्योल को यहाँ वहाँ पूरे मेंशन में ढूंढ रही होती है, लेकिन वो तो उससे मिलता ही नहीं है, जहाँ पर चंगू मंगू उससे आकर बोलते हैं कि ह्योल जा चुका है और अब वो मरने वाला है। जूही को तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है, जहाँ फाइनली वो दोनों उसे सब कुछ सच सच बताते हुए बोलते हैं कि तुम दोनों में से सिर्फ एक ही जिंदा रह सकता है और इसलिए ह्योल अपनी जान की कुर्बानी देने के लिए जा रहा है। जूही भी भागते भागते उसके पीछे पीछे जाती है और ह्योल बहुत दूर निकल चुका था। ह्योल हवेली छोड़कर जा चुका था क्योंकि वो जूही को और ज्यादा परेशान नहीं देखना चाहता था। जूही के साथ साथ चंगू मंगू और रोज भी उसे ढूंढने में लगे हुए थे, लेकिन ह्योल का तो उन्हें कोई भी अता पता नहीं चल रहा था। थक हार कर बेचारी जूही वहीं एक बेंच पर बैठ जाती है और ह्योल के साथ बेताल लम्हों को सोचने लग जाती है, जब उसने उसे अपना खून पीने के लिए कहा था और ह्योल ने उसे बहाना मार दिया था, और वो समझ आती है कि इसीलिए ह्योल उसका खून नहीं पीना चाहता था क्योंकि वो जूही को नहीं मार सकता। वहीं फिर टेलर की वाइफ को दिखाया जाता है, जो एक दिन पहले नाही से हुई बातों के बारे में सोच रही थी, जब नाही ने उसे ये कहा था कि वो एरिया को रीडेवलपमेंट करवाना चाहती है। लेकिन वो मेंशन बीच में आ रहा है और वो मेंशन ऐसे खाली नहीं हो सकता क्योंकि उसमें वैम्पायर रहते हैं। दरअसल ये सारा का सारा प्लान सोहा का ही था और वो जूही को उस मेंशन से निकाल कर हर हाल में उसे हासिल जो करना चाहती थी। नेक्स्ट सीन में डॉशम को अपने सेक्रेटरी से ये बात मालूम पड़ जाती है कि वैम्पायर ली नहीं जूही के डैड को पकड़ कर रखा हुआ था और वो तो उसका खून भी पीता था। गुस्से में वो फिर वैम्पायर ली के पास पहुंच जाता है और उसे बहुत ज्यादा उटपटांग बोल रहा होता है। वैम्पायर ली भी बोलता है कि वैसे भी मुझ में और तुम में ज्यादा फर्क तो है नहीं, क्योंकि तुम भी तो ह्योल को मार कर उसका खून लेना चाहते हो ना। साथ ही बातों में डॉशम को ये भी मालूम चल जाता है कि सोहा ने ही वैम्पायर ली को वो मेंशन खाली करवाने के लिए कहा था, क्योंकि वो उसे हर हाल में चाहिए था और इसलिए वैम्पायर ली ने ये सब कुछ किया। सच जाने के बाद तो डॉशम को सुहा के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है, सीधा उसके पास आता है और उसे डांटते हुए बोलने लग जाता है कि मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि तुम इस हद तक जा सकती हो और किसी को किडनैप भी करवा सकती हो। सोहा इससे पहले अपनी सफाई में और कुछ बोल पाती, डॉशम वहाँ से गुस्सा होकर चला जाता है। सोहा को भी काफी गुस्सा आ रहा होता है और वैम्पायर ली को फोन पे बहुत ही ज्यादा उल्टा सीधा सुनाने लग जाती है और वैम्पायर ली बोलता है कि तुम्हें ही तो हर हाल में वो मेंशन चाहिए था ना, और इसी के लिए मैंने ये सब कुछ किया। लेकिन भाई इसी चक्कर में वैम्पायर ली का शिकार उसके हाथ से निकल जाता है, जिसका वो खून पीने वाला था, जिससे कि उसे तो काफी गुस्सा आता है। यहाँ जूही बहुत ज्यादा सैड थी, जिसे देखकर डैड भी थोड़े परेशान हो जाते हैं और उससे ह्योल के बारे में जैसे ही उन्हें ये पता चलता है कि वो तो यहाँ पर है नहीं बल्कि कहीं जा चुका है, वो भी थोड़े टेंशन में हो जाते हैं। जूही तो बहुत ज्यादा सैड थी और रोते रोते बोल रही थी कि अगर मैंने एक दिन पहले कॉफिन को खोला नहीं होता तो आज ह्योल पूरी तरह से इंसान बन चुका होता, सारी गलती मेरी है। नेक्स्ट सीन में टेलर और उसकी वाइफ सीधा मेंशन पहुंचाती हैं और वहां डैड को देखकर तो बहुत शॉक हो जाते हैं कि अरे अरे आप तो वही हो ना जिन्होंने पहले इस हवेली की रखवाली की थी। ह्योल को वो सूट देने के लिए आपने ही तो कहा था ना, लेकिन आप इतने टाइम से कहां थे। और साथ ही वो फिर उन्हें एरिया की रीडेवलपमेंट पेपर्स देते हुए उस पे साइन करने को बोलते हैं और साथ ही बोलते हैं कि हमने सुना है कि यहां पर कोई वैम्पायर रहते हैं। लेकिन डैड तो उनकी बातों को हंसी मजाक में टालने लग जाते हैं और उन्हें वहाँ से ये बोलकर भेज देते हैं कि ठीक है मैं इन सारे पेपर्स पे अपनी बेटी से साइन करवा लूंगा।
जुई के पास जाते ही वो बोलते हैं कि ह्योल भी यही चाहता है कि तुम हमेशा खुश रहो और मुझे भी ऐसा ही लगता है कि अब तुम्हें कोई अच्छा इंसान देखकर उसे डेट करना चाहिए और ह्योल को भूल जाना चाहिए क्योंकि वो अब जा चुका है और साथ ही मैं अब तुम्हारे सर पे कोई और जिम्मेदारी नहीं डालना चाहता और इसलिए हमें इस हवेली को भी बेच देना चाहिए ताकि तुम अपनी आगे की लाइफ को अच्छे से जी सको। लेकिन जुई तो इसके लिए साफ साफ मना करने लग जाती है कि यहाँ पर मेरी और ह्योल की यादें हैं और मैं इस हवेली को नहीं बेच सकती। ये बोलकर बाहर चली जाती है कि मैं ह्योल का वेट करूंगी। वहीं रास्ते में उसे डॉशिम भी देख लेता है जो कि उसे बहुत ज्यादा सैड लगती है। वो उसे रोकता है और साथ ही उसे बोलता है कि रीडेवलपमेंट स्टार्ट होने वाला है और मुझे लगता है कि अब तुम्हें उस मेंशन को बेच देना चाहिए और उसके चक्कर में और ज्यादा परेशान नहीं होना चाहिए। मैं जानता हूँ कि ये सब कुछ तुम ह्योल के लिए कर रही हो लेकिन वो तो अब जा चुका है। लेकिन जो ही यहाँ से ये बोल के जाने लग जाती है कि मैं कोई ना कोई दूसरा ऑप्शन जरूर ढूंढ लूंगी। नेक्स्ट सीन में वैम्पायर ली डॉशिम को फोन लगाकर बोलता है कि जल्दी से मेंशन के बाहर आ जाओ और आज तो मैं ह्योल को मार ही डालूंगा। और जैसे ही वो मेंशन के पास पहुंचता है तो डैड उसे देख लेता है और डर कर वो तो अंदर जाकर छुप जाता है। जुई भी वहां पर पहुंच जाती है और सोचती है कि शायद वैम्पायर ली उसके मेंशन में एज अ गेस्ट रहने के लिए पहुंचा हुआ है। लेकिन जैसे ही वो बोलता है कि वो ह्योल से मिलने के लिए आया है वो भी समझ आती है। इससे पहले वो वहां से भागती वैम्पायर ली उसे एक सुनसान जगह पर ले जाता है और उसे बहुत मारने लगता है और उससे ह्योल के बारे में पूछ रहा होता है। लेकिन जूही बोलती है कि वो नहीं जानती कि ह्योल कहाँ पे है। और वहीं हम दूसरी तरफ ह्योल को देखते हैं जहाँ पर उसका स्कार धीरे धीरे एक्टिव होने लग जाता है और वो समझ आता है कि जूही किसी मुसीबत में है। यहाँ पर वैम्पायर ली जुई को बहुत ज्यादा मार रहा होता है, उसे एक रॉड से ऊपर की तरफ उठाने लग जाता है जहाँ पर देखते ही देखते ह्योल पहुंच जाता है, एक हीरोइक एंट्री मारता है और वैम्पायर ली को रोकने लग जाता है। जुई तो उसे देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। दोनों के बीच में जबरदस्त फाइट होती है और यहाँ पर ह्योल को थोड़ी चोट लग जाती है और जैसे ही वैम्पायर ली दोबारा से जुई को मारने के लिए जा रहा होता है ह्योल को बहुत गुस्सा आता है और वो उठकर अपनी पूरी ताकत के साथ में वैम्पायर ली को मारता है। जहाँ पर उसे अपने पास्ट के कुछ सीन याद आने लग जाते हैं जब वो मासूम लोगों का खून पीता था तो ह्योल उसे ऐसे ही आकर रोक लेता था। ह्योल बहुत ज्यादा गुस्से में था और उसे इस तरह देखकर वैम्पायर ली डर जाता है और वहां से ये बोलकर जाने लग जाता है कि मैं वापस जरूर आऊंगा। जिसके बाद जूही और ह्योल एक दूसरे को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। डॉशिम भी वहां पर पहुंच जाता है और छुपकर वो तो उन दोनों को ही देख रहा था जिससे कि उसे तो बहुत ही ज्यादा बुरा लगने लग जाता है। जूही और ह्योल साथ में होते हैं जहाँ वो उसे कहती है कि मुझे सारी सच्चाई का मालूम चल चुका है, हम कोई ना कोई दूसरा ऑप्शन जरूर निकाल लेंगे लेकिन उसके लिए तुम्हें पहले मुझे ये पिंकी प्रॉमिस करना होगा कि तुम मुझे दोबारा छोड़कर नहीं जाओगे। जूही की बातें सुनकर ह्योल भी मुस्कुराने लग जाता है और उसे बोलता है कि ठीक है मैं अब से तुम्हारे साथ ही रहूंगा और तुम्हें छोड़कर दोबारा नहीं जाऊंगा। वही हमारे दो देवदास यानी कि चंगो मंगो भी बेचारे सैड होकर ह्योल की याद में ही बैठे हुए थे। लेकिन सामने से जैसे ही ह्योल आता है वो देखकर उसको जाके लिपट जाते हैं और बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं कि वो वापस आ गया है और उसे अपने साथ रहने के लिए ही बोलते हैं। वही दूसरी तरफ हम मिस्टर कैट को देखते हैं जो कि बैठे बैठे बस यही सोच रहे होते हैं कि अभी सिर्फ एक हफ्ते बाद ही ब्लडी मून आने वाला है और अब पता नहीं आगे क्या होगा। नेक्स्ट मॉर्निंग ह्योल सीधा जाकर डैड से मिलता है जहाँ डैड उसे थैंक यू बोलते हैं क्योंकि अभी तक उसने जुई का बहुत ही अच्छे से ध्यान रखा था और साथ ही वो उससे इस चीज के लिए माफी मांगते हुए कहते हैं कि अब बटलर का काम वो जुई को अब नहीं देना चाहते हैं क्योंकि वो उसे और ज्यादा परेशान नहीं देख सकते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ खुश देखना चाहते हैं। जहाँ पर ह्योल भी उनसे कहता है कि अब तो उसे कोई बटलर की जरूरत ही नहीं है क्योंकि उन्होंने अपना काम बहुत ही अच्छे से निभाया है और साथ ही उसके मरने के सिर्फ और सिर्फ कुछ दिन ही बचे हैं और इसलिए अब उसे बटलर नहीं चाहिए। लेकिन जब तक वो जिंदा है वो जोई के साथ ही रहना चाहता है और इसके लिए डैड भी फिर मान जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ टेलर की वाइफ जाकर उसको बोलती है कि वो वैम्पायर वाली बात बिल्कुल सच है क्योंकि उसने ह्योल को एक दूसरे वैम्पायर यानी वैम्पायर ली के साथ में लड़ते हुए देख लिया था और वो वहां से डर कर भाग गई थी। ये सारी बातें जाने के बाद टेलर और उसकी वाइफ बाकी के सारे नेबर्स के पास पहुंच जाते हैं और उन्हें बोलते हैं कि हवेली में वैम्पायर्स रहते हैं और अगर हमें अपना एरिया को रीडेवलप करना है तो हर हाल में हमें उन सबको वहां से निकालना होगा। ये बोलते ही वो लोग सीधा हवेली की तरफ निकल पड़ते हैं। हवेली के अंदर यहाँ पर जैसे ही ह्योल जुई से मिलता है और अचानक से वो बहुत ज्यादा वीक हो जाता है, वहीं पर बेहोश हो जाता है। जुई और फिर चंगो मंगो उसे उठाकर रूम में ले जाते हैं जहाँ जुई
उसका अच्छे से ध्यान रख रही होती है और चंग मंग उसके लिए रोज से ब्लड लेने के लिए चले जाते हैं। लेकिन यहाँ पर ही उल्क एक बहुत भयानक सपना आ रहा होता है जिसमें वैम्पायर ली चूहे को मार रहा था और देखते ही देखते उसका स्कॉर्पियो फिर से एक्टिवेट होने लग जाता है। लेकिन जूही उसे संभालते हुए कहती है कि फिक्र मत करो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। शोरगुल सुनकर जैसे ही जूही हवेली के बाहर आती है, देखती है कि सारे नेबर्स वहाँ पर इकट्ठा हुए थे और टेलर की वाइफ ह्योल को बाहर आने के लिए बोल रही थी और कह रही थी कि वो वैम्पायर है। लेकिन जूही फिर उन सब लोग को समझाने लग जाती है कि ह्योल की तबीयत अभी बिल्कुल भी ठीक नहीं है और इसलिए वो सो रहा है। जहाँ पर टेलर भी उसकी बात को समझ आता है और अपनी वाइफ और बाकी सबको वहाँ से ये बोलकर लेके जाने लग जाता है कि ह्योल एक बहुत ही अच्छा इंसान है और अभी हमें उससे इस तरह से परेशान नहीं करना चाहिए। यहाँ जैसे ही ह्योल की आँख खुलती है उसके पास एक फोन आता है और वो एक बंदे से मिलने के लिए पहुँच आता है जो कि कोई और नहीं बल्कि डोशिमी होता है। डोशिमी उसे बोलता है कि तुम सिर्फ खून पीने वाले एक वैम्पायर हो जो कि जूही के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है और मुझे तुम्हारी सारी सच्चाई ऑलरेडी मालूम चल चुकी है, जितना हो सके जूही से दूर रहो और यही इसके लिए ठीक रहेगा। ह्योल बोलता है कि मैं जानता हूँ कि तुम उसे बहुत ज्यादा चाहते हो और इसके लिए अच्छा ही सोचोगे, लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं उसे और हर्ट नहीं करूंगा। ये सुनते ही डोशिमी फिर उसे वही नाइफ देते हुए बोलता है कि इसलिए बेटर यही होगा कि तुम अभी इसी वक्त अपने आप को मार लो। लेकिन ह्योल फिर उसे बोलने लग जाता है कि नहीं, मैंने जूही से वादा किया है और मैं जब तक खुद से नहीं मर जाता उसके साथ ही रहूंगा। ये बोलते ही वो वहाँ से जाने लग जाता है। ये सुनते ही तो डोशिम को काफी ज्यादा गुस्सा आने लग जाता है और नाइफ लेकर वो ह्योल के पीछे पीछे जाता है। ह्योल को वो नाइफ मार पाता इससे पहले ही जूही वहाँ पहुँच आती है और उन दोनों को ऐसे देख लेती है। डोशिम भी उसे देखकर काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। जूही को देखते ही डोशिम ने अपना नाइफ छुपा लिया था और वहीं ह्योल भी उसे देखकर काफी ज्यादा हैरान हो रहा था। तो जूही तो डोशिम को ही डांटने लग जाती है कि उसने इतनी रात में ह्योल को मिलने के लिए क्यों बुलाया। जहाँ पर डोशिम उसे फिर से समझाते हुए बोलता है क्योंकि ह्योल तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा डेंजरस है और इसलिए मैं चाहता हूँ कि ये तुमसे दूर रहे। लेकिन डोशिम के ऊपर गुस्सा होकर जूही ह्योल को वहाँ से ले जाती है और साथ ही वो ह्योल को भी बोलती है कि वो डोशिम की बातों पर बिल्कुल ध्यान ना दे। नेक्स्ट सीन में तीनों के तीनों वैम्पायर बहुत ज्यादा सैड होते हैं क्योंकि उनके पूरे नेबरहुड में ये बात फैल चुकी थी कि वो लोग वैम्पायर हैं। यहाँ वैम्पायर ली ने सोहा को कॉल पे बता दिया होता है कि ह्योल बहुत ही जल्द मरने वाला है और जिंदा रहने के लिए उसे जूही के ब्लड की जरूरत है। वही ह्योल सीधा टेलर और उसकी वाइफ से मिलने के लिए पहुंचा हुआ था। वो दोनों तो उसे देखते ही बहुत ज्यादा डरने लग जाते हैं, लेकिन ह्योल उसे समझाते हुए कहता है कि मैं सालों से यहाँ पर हूँ और आपके एंसिस्टर ने मेरा बहुत ही अच्छे से ध्यान रखा था और अब आप लोगों ने मेरी इस टाइम में बहुत ही ज्यादा हेल्प की है और इसलिए मैं आप लोगों का हमेशा ही शुक्रगुजार रहूंगा। और साथ ही वो काफी ज्यादा इमोशनल बातें भी कर रहा होता है जिससे कि वो दोनों भी बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं। जूही से मिलने के लिए सोहा पहुंची हुई होती है और उसके ऊपर सारे इल्जाम लगाते हुए बोलती है कि जब तुम जानती हो कि ह्योल को जिंदा रहने के लिए तुम्हारी ब्लड की जरूरत है तो तुम उससे अपना खून क्यों नहीं दे रही हो। जूही बोलती है कि ह्योल के लिए मैं कुछ भी करने के लिए रेडी हूँ, लेकिन अभी वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे चक्कर में ही परेशान है क्योंकि तुमने सारे नेबरहुड में ये बात जो फैला रखी है कि वो एक वैम्पायर है जिससे कि लोग अब हमें यहाँ पर नहीं रहने देंगे और ये मेंशन ह्योल को छोड़ना पड़ेगा। ये सब को सुनते ही सोहा भी बहुत ज्यादा सैड हो जाती है और जैसे वो घर से बाहर जा रही होती है तो उसे ह्योल मिल जाता है और जहाँ वो उसे समझाते हुए कहती है कि मुझे सब कुछ सच का मालूम चल चुका है कि तुम्हें जिंदा रहने के लिए जूही के ब्लड की जरूरत है और वो भी तुम्हें अपना ब्लड देने के लिए तैयार है तो फिर तुम उसका ब्लड लेते क्यों नहीं हो। जहाँ पर ह्योल भी उसे समझाते हुए बोलता है कि यही तो सच्चा प्यार है कि वो मेरे लिए अपनी जान भी दे सकती है और इसलिए मैं उसे और तकलीफ नहीं दे सकता। वापस आकर ह्योल जूही को मेंशन से मूव करने के लिए कहता है क्योंकि ये लोग उसे चैन से यहाँ पर रहने नहीं देंगे, लेकिन फिर जूही उसे बोलती है कि ये मेरा मेंशन है और मैं इसे अच्छे से संभालूंगी, तुम चिंता मत करो, तुम बस अपना ध्यान रखो। वहीं दूसरी तरफ डोशिम और सोहा साथ में होते हैं जहाँ डोशिम उसके ऊपर चिल्लाते हुए कह रहा होता है कि तुम्हें वैम्पायर वाले रूमर्स नहीं फैलाने चाहिए थे। सोहा भी वहीं पर उसे लड़ रही होती है जहाँ पर अचानक से वैम्पायर ले आ जाता है और दोनों का भांडा एक दूसरे के सामने फोड़ देता है और साथ ही वो सोहा को ये भी बताने लग जाता है कि डोशिम को ह्योल का खून चाहिए क्योंकि उसे अपनी बरसों से चली आ रही दिल की बीमारी को ठीक करना है। ये जानकर तो सोहा बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है और डोशिम के ऊपर काफी गुस्सा कर रही होती है।
साथ ही वो दोनों मिलकर फिर जैसे ही ली को वहाँ से जाने के लिए कहते हैं, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा कबाब में हड्डी जो बन रहा था। लेकिन भाई फिर देखते ही देखते ली अपने असली रूप में आ जाता है, उसकी आंखें ब्लू हो जाती हैं, जिसे देखते ही सोहा तो बहुत ही बुरी तरह से डर जाती है, क्योंकि वो तो नहीं जानती थी ना कि ली एक वैम्पायर है। और डॉशन ने भी उसका ये रूप पहली बार ही देखा था और वो तो बहुत ज्यादा गुस्सा कर रहा होता है और साथ ही बोलता है कि आखिरकार तुम दोनों मुझे यहाँ से निकालने वाले कौन होते हो, और जब तक मैं नहीं चाहूंगा तो तुम लोग भी यहाँ से नहीं जा सकती। और ये बोलकर वो सोहा के ऊपर जोरदार हमला करने लग जाता है। इससे पहले वो उसका खून पीता, डॉशिम उसके ऊपर खंजर भोंक देता है। और फिर क्या था, देखते ही देखते वैम्पायर ली का नामोनिशान मिट जाता है और वो अचानक से राख बनकर गायब होने लग जाता है। लेकिन सोहा तो बेचारी सदमे में जा चुकी थी, वो तो बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है। जहाँ डॉशिम उसे कहता है कि देखा ना तुमने कि वैम्पायर कितने ज्यादा खतरनाक हो सकते हैं, और तुम्हारा ह्योल भी एक वैम्पायर ही है, ये बात कभी मत भूलना तुम। सोहा बिचारी गम की मारी पूरी तरह से सदमे में पहुंच चुकी होती है और ड्रिंक पे ड्रिंक लिए जा रही थी और ह्योल के साथ बिताए हुए सारे प्यारे खूबसूरत लम्हों को बहुत ज्यादा मिस कर रही होती है। जिसके बाद वो सीधा ह्योल से जाकर मिलती है और कहती है कि मैं हमेशा के लिए कोरिया छोड़कर यूएसए जा रही हूँ, लेकिन मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ कि मैंने यहाँ पे तुम्हें पाया। सच्चे प्यार का मतलब शायद मैं थोड़ा थोड़ा समझ चुकी हूँ और इसलिए मैं अब तुम्हें और ज्यादा परेशान नहीं करना चाहती हूँ। जाने से पहले सोहा ने ह्योल को डॉशिम के बारे में भी बता दिया था कि वो उसका खून पीकर सालों से चली आ रही उसकी दिल की बीमारी वाले श्राप को पूरी तरह से हटाना चाहता है। सच जानने के बाद तो ह्योल भी बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है। नेक्स्ट सीन में ह्योल मून को देख रहा होता है, जहाँ पर मिस्टर कैट उससे मिलने के लिए पहुंचा हुआ होता है। वो दोनों फिर एक दूसरे से आखिरी बार मिलते हैं, जहाँ दोनों ही काफी ज्यादा इमोशनल हो रहे थे। मिस्टर कैट ह्योल को बोलता है कि मैंने आज तक ऐसा कोई भी वैम्पायर नहीं देखा जो कि इंसानों से भी ज्यादा अच्छा हो, और मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ कि तुम्हारे जैसा वैम्पायर मेरी लाइफ में था। मैंने तुमसे बहुत कुछ सीखा है और हमेशा ही तुम्हारी याद मुझे सताएगी। वो दोनों ही काफी ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं। जैसे ही ह्योल फिर हवेली पहुंचता है तो अचानक से उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब होने लग जाती है और उसके हाथों पर भी काले काले निशान पड़ने लग गए थे। ह्योल का आज लास्ट डे था और इसलिए चंगू मंगू से वो एक आखिरी बार मिल रहा होता है। वो दोनों तो बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं, काफी रो रहे होते हैं, साथ ही बोलते हैं कि हम तो तुम्हारे बिना रह ही नहीं पाएंगे। लेकिन फिर ह्योल उन्हें समझाते हुए कहता है कि जैसे तुम 100 साल मेरे बिना रहे हो, वैसे ही तुम्हें आगे भी रहना होगा और मेरी जुई का अच्छे से ध्यान रखना। नेक्स्ट सीन में जूई और ह्योल आउटिंग पे गए हुए होते हैं, क्योंकि ह्योल का आज लास्ट डे था, लेकिन ये बात उसने जूही से छुपाई हुई थी और वो उसके साथ में बहुत सारा टाइम स्पेंड करना चाहता था। और वो लोग साथ में फिर घूमते हैं, बीच पे जाते हैं और बहुत ही ज्यादा मस्ती भी कर रहे होते हैं, साथ में फोटो वगैरह भी खींचते हैं और काफी ज्यादा खुश होते हैं। वहीं दूसरी तरफ डॉशिम को दिखाया जाता है जो कि गाड़ी से कहीं पर जा रहा था और वो ह्योल के बारे में ही सोच रहा था। यहाँ पर जूही एक बार फिर से ह्योल से माफी मांग रही होती है, क्योंकि उसने वक्त से पहले ही कॉफिन को जो खोल दिया था और उसे इसका काफी ज्यादा गिल्ट है। लेकिन फिर ह्योल उसे प्यार से समझाते हुए बोलता है कि अगर तुमने कॉफिन नहीं खोला होता तो आज हम दोनों साथ में नहीं होते, और दिल का धड़कना कैसा होता है मैं उसे कभी भी महसूस नहीं कर पाता। इन सारी चीजों के लिए वो उसे थैंक्स बोलता है और दोनों के बीच में एक प्यारी सी खींच हो जाती है और यहीं पर सनसेट भी होने लग जाता है, जिससे कि ह्योल की हालत और ज्यादा खराब हो जाती है, वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। जूई फिर उसका ध्यान रखने लग जाती है और अपना हाथ काट के ब्लड की कुछ ड्रॉप उसके मुंह में डालती है। जूही के ब्लड का टेस्ट ह्योल को वैसा ही लगता है जैसे कि नाही के ब्लड का टेस्ट था, और उसे सारी बातें याद आने लग जाती हैं, यानी कि नाही कोई और नहीं बल्कि जूही है, जिसने ह्योल से ये वादा किया था कि वो उसे अगले जन्म में जरूर ढूंढ लेगी, और उसने अपना पूरा वादा भी निभाया। ये सब कुछ जानकर ह्योल बहुत ज्यादा सेंटी हो जाता है और काफी ज्यादा रो रहा होता है। जिसके साथ में उसने इतने प्यारे प्यारे से मोमेंट गुजारे हैं वही उसकी नाही है। जिसके बाद ह्योल को होश आने पर वो सिर्फ जूही को ही देख रहा होता है जो कि अब सो चुकी थी, और इसलिए वो उसे छोड़कर बाहर आ जाता है। काफी रो रहा होता है क्योंकि उसने अपना वादा जो पूरा नहीं किया और वो जूही को ऐसे छोड़कर जा रहा है। ब्लड मून बस होने वाला होता है, जहाँ देखते ही देखते डॉशिम भी पहुंच जाता है। एंड गाइस यहाँ पर हमें ये पता चलता है कि ह्योल ने ही डॉशिम को यहाँ पर बुलाया है ताकि वो उसे खून देकर उसके श्राप को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर सके, और उसके जाने के बाद वो जूही का ध्यान भी रख सके, क्योंकि डॉशिम भी जूही को बहुत चाहता है और ये बात ह्योल काफी अच्छे से जानता है।
ब्लडी मून होते ही वो उसे अपने अंदर उस खंजर को मारने के लिए कहता है, लेकिन डोशिम भी काफी ज्यादा इमोशनल हो चुका था इसलिए वो मार ही नहीं रहा था। वहां से जूही ने भी ये सब कुछ देख लिया था और ह्योल फिर उसके हाथ से खंजर लेकर अपने आप को मार देता है। जूही उसे रोकती है लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मरने से पहले वो उसे कहता है कि इस बार तुमने मुझे ढूंढकर अपना प्रॉमिस निभाया था, लेकिन अगली बार मैं तुम्हें जरूर ढूंढ लूंगा और वापस आऊंगा, यानी कि हम दोबारा जरूर मिलेंगे। जिससे कि जूही तो बहुत ज्यादा रोने लग जाती है और मेरा भी यहाँ पे दिल टूट जाता है दोस्तों, क्योंकि ये एंडिंग मैंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं की थी। लेकिन जैसा कि ह्योल ने बोला है कि वो दोबारा जरूर आएगा, तो इसका साफ मतलब यही हुआ कि इसका सीजन 2 भी आएगा। और अगर आप लोग चाहते हैं कि इसका सीजन 2 भी आए तो ये बात मुझे कॉमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। नेक्स्ट सीन में ह्योल का फ्यूनरल हो रहा होता है। सब लोग उसके पास में खड़े होते हैं और उसे आखिरी श्रद्धांजलि भी दे रहे होते हैं। साथ ही बोल रहे होते हैं कि हम तुम्हारे रिबॉर्न होने तक इस मेंशन को अच्छे से प्रोटेक्ट कर रखेंगे। जिसके बाद फिर वहां पर मिस्टर कैट भी पहुंच जाते हैं जिनके हाथों में वही बॉक्स होता है। और उस बॉक्स को खोलने पर जूही को बहुत सारा सोना मिलता है जो कि किसी और का नहीं बल्कि ह्योल का था, जिसे कि मिस्टर कैट ने सालों से संभाल कर रखा हुआ था। ह्योल ने इससे इसलिए नहीं लिया था क्योंकि अगर वो ले लेता फिर तो जूही का सारा कर्जा ही चुकता हो जाता, लेकिन जूही के पास रहने के लिए उसके पास सिर्फ यही तो एक बहाना था। धीरे धीरे फिर ऐसे ही दिन बीतते जाते हैं। चंगू मंगू का रेस्टोरेंट भी अब काफी अच्छे से चल रहा होता है, साथ ही उनकी लुक भी पूरी तरह से चेंज हो चुकी थी और वो लोग बहुत ज्यादा खुश थे क्योंकि अब उन्हें ह्योल का सारा सोना जो मिल चुका था। वहीं दूसरी तरफ रोशन ने भी हार्ट पेशेंट के लिए काफी सारी डोनेशन की हुई होती है क्योंकि ह्योल के चक्कर में उसका भी तो हार्ट बच गया था और वो काफी ज्यादा खुश था। यहाँ जूही ने भी मैचर को बहुत अच्छे से संभाल कर रखा हुआ था, वो उसे काफी अच्छे से मेंटेन रख कर वहाँ पर एक बड़ा सा गेस्ट हाउस चला रही थी। बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ थी लेकिन स्टिल उसे ह्योल की बहुत ही ज्यादा याद आती रहती थी और वो उसका इंतजार भी कर रही थी। जिसका साफ मतलब है दोस्तों कि इसका सेकंड सीजन भी जरूर आएगा। और अगर मेरी तरह आप भी चाहते हो कि इसका सेकंड सीजन आए तो कमेंट बॉक्स में सेकंड सीजन लिख दीजिएगा।